आप लोग मुझे केवल सुन सकते तो मैं, मेरा नाम धम्मचारी नानधरा है और हम लोग त्रिरत्न बोध महासंघ का वर्धापन दिन का उत्सव साजरा करने वाले हैं। तो इसकी स्थापना उच्च उर्गेन संघ रक्षित जी ने की है। तो 1967 में इसकी स्थापना हुई है और अभी 56 साल उसको पूरे हुए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग 140 मिलकर इसका उत्सव मनाने वाले हैं। तो कुछ लोग है क्या बोलते हैं कि हिंदी में और स्पैनिश में कुछ लोग ट्रांसलेशन करने वाले हैं। तो पारमी जो है स्पैनिश में ट्रांसलेट करने वाले, आर्य के तो हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले है, भाषांतर करने वाले है। बहुत ही अभी कुछ व्यावहारिक मुद्दे बताने वाला हूँ। तो कुछ अगर आपके तांत्रिक अड़चने होंगी तो आप अपराजिता से बात कर सकते हैं। तो अपराजिता जो है जो तांत्रिक बातें है उसके ऊपर का उसको ध्यान देंगे। त्रिरत्न वर्धापन दिन है, यह हम लोग अधिष्ठान से मना रहे हैं, फ्यूचर धर्म फंड है और thebuddhistcenter.com है और ऐसे मिलकर ये उत्सव मना रहे हैं। और अधिष्ठान जो है ये भी इसमें सम्मिलित है और हम लोग अधिष्ठान से यह सारा उत्सव मनाने वाले हैं। अधिष्ठान हमारे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का महत्वपूर्ण ऐसा स्थान है और ये इंग्लैंड में है अधिष्ठान, और इसका पूरे त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में इसका बहुत बड़ा महत्व है। भला ही वो इंग्लैंड में है लेकिन इसका महत्व सभी के लिए है क्योंकि यह इसे हेड क्वार्टर भी अपन कह सकते हैं अधिष्ठान को, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का। तो हम लोग ये जो है ऑनलाइन त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का वर्धापन दिन मना रहे हैं अधिष्ठान से, एक शिविर के रूप में मना रहे हैं। पूरे एक दिन के लिए यह उत्सव रहेगा। और इसका विषय है पूरे दिन का जो है कि त्रिरत्न की जड़े धरती पर और त्रिरत्न की जड़े आसमान में। और बहुत सारे लोग है कि त्रिरत्न की जड़े जो है धरती पर फैला रहे हैं। इसकी शुरुआत लंदन के एक तलघर से हुई थी जो भंते ने इसकी शुरुआत की थी, और अभी इसकी जड़े अलग अलग देशों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बे में इसकी जो जड़े है फैल रही है धरती पे। तो यूं कह सकते हैं कि इसकी जो जड़े है धरती पर अलग अलग संस्कृति, अलग 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 परिपेक्ष में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ फैल रहा है। तो हम लोगों को हाँ कृपया जो है तो हम लोगों ने इसकी जो जड़े ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में बढ़ाई है, फिनलैंड में बढ़ाई है, और फिनलैंड के संघ को कम से कम 50 साल हुए हैं और 50 साल वो मना रहे हैं। तो हैप्पी त्रिरत्न फिनलैंड संघ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। भंते जी का यह मैसेज है कि धम्म जो है पूरे जगत में हमने फैलाना चाहिए, धम्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए। तो 1984 में पूज्य उर्गेन संघरक्षित जो है कि धम्म का प्रचार प्रसार करते वक्त वे बोधिचित्त की बात करते हैं। तो बोधिचित्त का जो अनुभव है जिसको हम लोग देख सकते हैं कि त्रिरत्न की जड़े आसमान में कैसे होती है, आकाश में कैसे होती है,
तो ये एक प्रकार का यह गूढ़ अनुभव है बोधिचित्त का। तो त्रिरत्न बोध महासंघ से हम ऐसे वातावरण की निर्मिति करते हैं कि ऐसी परिस्थिति का हम निर्माण करते हैं कि वो वातावरण वह परिस्थिति हमें बोधिचित्त की अनुभूति की ओर लेके जाता है, जो कि वह अनुभव बहुत ही गूढ़ होता है जिसे हम शब्द में बांध नहीं सकते हैं। और त्रिरत्न बोध महासंघ जो है यह एक छोटा सा हिस्सा है बोधिचित्त का, और जो बोधिचित्त जो है यह बहुत ही बड़ा त्रिरत्न का हिस्सा है। यू कह सकते हैं कि यह गूढ़ ऐसा अनुभव है जिसकी विशालता, जिसकी अनंतता हम शब्द में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन त्रिरत्न बोध महासंघ ये एक छोटा सा हिस्सा है जिसकी जड़ें हम धरती पर फैला रहे हैं, जिसके माध्यम से हम उस बोधिचित्त की ओर जाना चाहते हैं। तो भंते उर्गेन संगरक्षित जो संघ को है एक ऐसे गूढ़ अनुभव की ओर लेके जा रहे हैं। यह बहुत ही गूढ़ ऐसा अनुभव है जो त्रिरत्न की जड़े आसमान में कैसी है, बोधिचित्त का अनुभव कैसा होता है, इसकी ओर वे अंगुली निर्देश करते हैं। और इस बात को हमने भूलना नहीं चाहिए कि त्रिरत्न का उद्देश्य क्या है। तो इस तरह से हम आज का दिन, आज का उत्सव मनाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम त्रिरत्न का वर्धापन दिन मनाने वाले हैं। तो हम आज का दिन इस तरह से कार्यक्रम इस तरह से रहेगा। तो आज की जो मेत्ता भावना की शुरुआत सूर्यगुप्त करेंगे और नागबोधि और परमार्थ के साथ वार्तालाप होगा। भंते संगरक्षित जी के बहुत ही करीबी मित्र रह चुके हैं परमार्थ। और तीसरा जो है वो यह एक प्रवचन होगा जो सद्धानंद धम्मचारिणी सद्धानंदी देने वाली है, जिसका विषय है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ कम्युनिकेशन। और प्रवचन के बीच में ब्रेकआउट रूम होगा, और फिर इस ग्रुप में हम लोग चर्चा करेंगे। मुझे आशा है कि अलग 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 जो हिंदी भाषी है वो इकट्ठा रहेंगे। और जो चौथा जो इवेंट है वो धरती त्रिरत्न की जड़े धरती पर, इसके ऊपर है। और त्रिरत्न के जितने भी पायनियर हैं जिन्होंने इस त्रिरत्न को फैलाया है इस धरती के ऊपर, जापान में है, आयरलैंड है, ब्राजील है, तो उनसे हम लोग वार्तालाप करने वाले, उनसे उनकी जो स्टोरीज है हम लोग सुनने वाले। जापान में सुजाना है, उनसे हम बात करने वाले हैं। और ब्राजील से हम मंजू प्रिया से, ब्रह्मचारी मंजू प्रिया से सुनने वाले हैं। तो हम लोग जो पांचवा जो हमारा जो इवेंट है वो त्रिरत्न की जड़े आसमान में, मतलब बोधिचित्त क्या है, इसे हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए हम हमारा जो शरण वृक्ष है इसकी खोज कैसी हुई है, और इसका नेतृत्व कॉलेज के पब्लिक प्रिसेप्टर करने वाले हैं। और हम लोग रत्नधारी से बात करेंगे कि जो अध्यक्ष है कॉलेज कॉलेज की, पब्लिक प्रिस कॉलेज की, पारमी से बात करेंगे, नागप्रिय से बात करेंगे और आदित्य बुद्धि से बात करेंगे। अंत में हमारा जो छठवा जो कार्यक्रम होगा, हम मेक्सिको सिटी में जाएंगे, बुद्धिस्ट सेंटर में जाएंगे, मेक्सिको सिटी के त्रिरत्न बुद्धिस्ट सेंटर में जाएंगे, और वहां जाकर हमारी त्रिरत्न की पूजा होगी और हमारा आज का ये जो सत्र है समाप्त होगा। और हम लोग बीच में कुछ जो सदस्य है फ्यूचर धर्म चमू के, उनसे मिलने वाले हैं। और वो लोग फ्यूचर धर्म जो फंड है आज दान की अपील भी करेंगे। हर एक सेशन के पहले तो मैं आपके पास आऊंगा,
तो ये जो स्थान है, जिस स्थान से हम ये उत्सव मना रहे हैं, वह अधिष्ठाना है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे रह चुके हैं, रहते हैं, और ये जो अधिष्ठान जो स्थान है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में क्यों महत्वपूर्ण है, और अभी अभी फिलहाल मैं उर्गेन हाउस में हूँ। तो मैं लिविंग रूम में हूँ जो उर्गेन हाउस के, तो यूँ कह सकते हैं कि बंते संगरक्षित जी है जो संस्थापक है, इसका वह घर है। बहुत साल वे यहाँ पर उन्होंने गुजारा है, और मैं एक्चुअली वास्तव में उनके रूम में जहाँ पे लोग उनसे मिले हैं, और मैं स्वयं उनसे 2 बार इस रूम में, और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पर, और बहुत ही ऐसा मुझे आ रहा है अलग से कि यहाँ बैठकर मैं जगत के त्रिरत्न से वार्तालाप कर रहा हूँ और उत्सव मना रहा हूँ। वो हमारे शिक्षक है, वह हमारे संस्थापक है, और हमें उन्हें समझना है कि सही में त्रिरत्न की निर्मित उन्होंने क्यों की है। और जिन जिन लोगों ने उनसे व्यक्तिगत वार्तालाप किया है, संपर्क किया है, सही में उनका प्रभाव हमारे ऊपर है। और जिन जिन लोगों से उन्होंने संपर्क किया है प्रवचनों के माध्यम से, संपर्क से, तो उन वे सारे लोग प्रभावित हुए और इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से वे जुड़े, और पूरे जगत में इस त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का फैलाव किया। और हम जब एक दूसरे से संपर्क करते, वार्तालाप करते, उसका असर हमारे मन के गहराई पर होता है, और हम लोग सूर्यगुप्ता, धम्मचारिणी सूर्यगुप्ता से सुनने वाले हैं, और सूर्यगुप्त जो है अभी थोड़ी देर में त्रिरत्न डे में मेत्ता भावना का नेतृत्व करने वाले, और वो सबसे पहले सूर्यगुप्ता अपने अनुभव बताने वाले कि भंते जी से वे मिलकर उन्हें कैसे लगा। बहुत साल पहले सूर्यगुप्ता वे मिली, और उनकी दीक्षा धम्मचारिणी सूर्यगुप्ता की दीक्षा 1997 में भी हुई, और उसकी उसका जो नाम है सूर्यगुप्ता है, ऐसी व्यक्ति है कि जिसे सूरज की तरह सूरज की किरणें उसे यूँ कह सकते कि उनकी सुरक्षा करती है। उसका वो अर्थ है सूर्य, मतलब सूर्य का अर्थ होता है बुद्ध, तो हम कह सकते हैं कि बुद्ध की किरणें या बुद्ध की प्रज्ञा या बुद्ध की किरण किस तरह सुरक्षा प्रदान करती है। उस वो ऐसी महिला है कि बहुत ही सशक्त है, उसमें बहुत ही शक्ति है, और वो अभी फिलहाल अध्यक्ष है लंदन बुद्धिस्ट सेंटर की, और लंदन बुद्धिस्ट सेंटर ये बहुत बड़ा केंद्र है त्रिरत्न बौद्ध महासंघ का लंदन में, और बहुत ही वह प्रगति कर रहा है। तो मैं सूर्य गुप्ता की ओर जाना चाहता हूँ। Thank you, Nanda. Before I answer that, धन्यवाद ज्ञानधारा, मैं धम्मचारिणी सूर्यगुप्ता हूँ, और मैं आप सभी से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं लंदन बुद्धिस्ट सेंटर से बात कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरा परिचय करा के दिया, और मेरा परिचय सुनकर बड़ा अच्छा लगा। भंते जी के शब्द सुनकर भी मुझे बहुत ही प्रेरित हुई।
मैं बहुत पहले बंते जी से मिली, तेईस साल पहले मिली, 23 साल से मैं इस संघ में मिला। मैं शुरुआत में बंते जी से मिलने वाली थी, और जब मैं शुरुआत में संपर्क में आए तभी मुझे लगा कि मुझे ब्रह्मचारिणी बनना चाहिए। जब मैं इस संपर्क में आए तब उसका नाम था फ्रेंड्स ऑफ द वेस्टर्न बुद्धिस्ट ऑर्डर था। तो धम्म जो है कि किस तरह से इंग्लैंड में फैलेगा, इस पर ज्यादा चर्चा होती थी, और मैं उससे संपर्क में स्थापित थी। एक्चुअली मैं मूलतः कैरिबियन से हूँ और अफ्रीका से हूँ, लेकिन फिर मैं लंदन में रहता हूँ। तो अभी फिलहाल हम दोन महिला है और हम लोग कैरेबियन पार्श्वभूमि से आए हैं। तो मैं जो इंग्लैंड इंग्लैंड में से इंग्लैंड में अभी रहती हूँ, लेकिन क्या मैं सही में इंग्लैंड से हूँ? क्या मुझे इंग्लैंड के लोग मुझे मुझे एक्सेप्ट कर, मैं पूरी तरह से रह सकती हूँ? और मैं बंते से फिर सवाल लिखकर भेजे और फिर बंते जी से मिलने के लिए गई, और बंते जी से मिलकर मुझे काफी अच्छा लगा। और भंते जी ने मेरी सारा इतिहास सुना, उन्होंने मैं जी किस पार्श्वभूमि से आई, मैं किस कल्चर से आई, वो संस्कृति से आए, वो उन्होंने सुना। और बंते जी ने मुझे पूरी तरह से सुना और मेरा इतिहास क्या है, मेरी संस्कृति क्या है, मेरी पार्श्वभूमि क्या है, और मुझे बहुत ही करुणा करुणा के साथ वे मुझे सुन रहे थे। जब फिर हम लोग एक मुद्दा पर आए कि भंते जो कह रहे थे कि अरे अपना संघ का नाम क्या होना चाहिए, पूरे जगत के लिए एक ही नेम एक ही नाम होना चाहिए, इंग्लैंड के लिए अलग नाम और दूसरों के लिए दूसरे जगत में दूसरे विभाग के लिए अलग नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरे जगत का एक नाम होना चाहिए। तो हम लोग जो है एक दूसरे के साथ बहुत गहराई में बातचीत करने लगे और बहुत ही गहराई से एक दूसरे को सुनने लगे, और किस तरह से हमने हमारे संघ का नाम होना चाहिए, और यह बहुत बड़ा निर्णय है। तो फिर वे कहने लगे कि हमारे त्रिरत्न की जड़ें जो है वह आसमान में, वो एक्चुअली धरती पर नहीं है, वो धरती से वो आसमान की ओर जाते हैं। और मेरे जब मैंने ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि अभी मैं आसमान में काम कर रही हूँ और आसमान में भलाई मैं धरती में काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे जाना है बोधिचित्त की ओर जाना है। तो हमारे त्रिरत्न का महारुक्ष जिस तरह से फैल रहा है, लेकिन वह आसमान की ओर जा रहा है, यह जो अनुभव है, यह अनुभव मेरे लिए बहुत ही गुड़ था और जिससे मैं काफी प्रेरित हुई, और मैं लगा आह यही मैं मेरे जीवन में करना चाहती हूँ। लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल खड़े हुए। उस संपर्क से मेरे ध्यान में आया कि मेरे या लेकिन मेरी जो जड़े हैं वो वैसे देखा जाए वो मेरे संस्कृति में है, मैं जिस स्थान से आई हूँ वहां पर है, मेरे पूर्वज है वहां से आए आया आई हूँ मैं,
और लेकिन भलाई मैं वहां से आई हूँ, लेकिन मुझे मेरी जड़े कहाँ लेके जाना है? आसमान की ओर लेके जाना है, बोधिचित्त की ओर लेके जाना है। ऐसा मेरा ये जो शरीर है, ये शरीर एक माध्यम है, और त्रिरत्न की जड़े जो धरती पर हम फैला रहे, ये एक माध्यम है, जिस माध्यम से, इस शरीर के माध्यम से मुझे बोधिचित्त की ओर जाना है। इस प्रकार से जो मेरा जो मेरी जो दृष्टि है वह विकसित हुई भंते जी से बात करते हुए, भंते जी से वार्तापाल से और भंते जी से संपर्क से, और इस प्रकार से मेरे मन में जो संभ्रम था, मेरे मन में जो कंफ्लिक्ट था, तनाव था, वो खत्म हुआ और मैं त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में शामिल हुई। और फिर बाद में भंते जी ने नामांतरण किया इस संघ महासंघ का, और अंत में भंते जी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि इसका नाम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ होगा इसके आगे। तो त्रिरत्न यह नाम सुनकर मैं बड़ी खुश हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा और मैं बहुत ही आनंदित हुई त्रिरत्न नाम सुन के, और त्रिरत्न से जुड़ते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है। और हम लोग मेता भावना करने वाले, आज मेता भावना का आचरण करने वाले, मेता भावना करने वाले ध्यान, और ये मेता भावना है, इस माध्यम से हम श्री रत्न के जड़ों को देखने का प्रयास करेंगे। हमारी जड़े किस तरह से धरती से आसमान की ओर जाती है, इस तरह से हम ये मेता भावना हमें मदद करती है, और मेता भावना हमारी संस्कृति, हमारी पार्श्वभूमि, हमारे संस्कारों से हमें परे लेके जाते हैं और हमारे बोधिचित्त की ओर लेके जाते हैं। इसका अनुभव हम हमारे कल्पना शक्ति से मेता भावना कर सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी संघ मेता भावना है, जिस मेता भावना का सराव या आचरण हम हमारे पूरे संघ में करते हैं, और हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं मेता भावना से। और अभी हम लोग मेता भावना की शुरुआत करने वाला है, तो पहला जो चरण है उस पर हम हमारे स्वयं पे मेता करेंगे, दूसरे में हमारे मित्र पे मेता करेंगे, और तो तीसरे चरण में हम जो लोग हैं वे श्रेष्ठ व्यक्ति पर हम लोग मेता करेंगे, और हम लोग जो श्रेष्ठ लोगों पर हम लोग उनका पुनर्वदन करेंगे, उनका आभार हम व्यक्त करेंगे, और ऐसे श्रेष्ठ लोग हैं हमें हमारे हमारी जो संस्कार है उसके परे हमें लेके जाते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले, तीसरे चरण में हम लोग उनका पुनर्नुमोदन करने वाले। तो हम लोग जो आखिरी का जो चरण होना होगा वह पूरा हम लोग पूरे जगत के त्रिरत्न पर हम लोग मैत्ता भावना करने वाले। तो चलो हम आज के दिन की शुरुआत हम मेत्ता भावना से करेंगे, और कृपा करके हमारा आंखें बंद करिए, हमारा शरीर स्वस्थ है, आरामदायक है, हमारा मन आरामदायक है स्थिति में है, हम लोग शारीरिक रूप से और मन से पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित है। हम धरती पर बैठे हैं, का अनुभव कीजिए, और इस धरती पर हम बैठे हैं, और धरती का स्पर्श हमें हो रहा है, और इस धरती पर हम लोग आरामदायक स्थिति पर बैठे हैं, और बहुत ही आरामदायक है। Our upper body rising up.
हमारा शरीर है धरती के ऊपर और हमारा शरीर जो है वह जागरूक हो रहा है, हम मन से जागरूक हो रहे हैं और अपने आप को खुला कर रहे हैं। So beginning with just checking in how you are तो at whatever शुरुआत में time हम zone देखेंगे you happen to be. हम कैसे हैं, मेरी भावनाएं कैसी है, मेरी वेदनाएं कैसी है। This first stage is creating a space तो हम लोग आज पहले to दिन come into ऐसे awareness, परिस्थिति की निर्माण निर्माण कर रहे हैं। creating a space of appreciation, उस परिस्थिति में हम एक दूसरों का बनाने of में मदद करेंगे friendliness, और एक दूसरे के प्रति मित्रता भावना meeting whatever we मित्रता find, विकसित करने वाले हैं। of हम जहाँ जहाँ भी एक sensitivity, दूसरे से मिले हैं याद करेंगे और एक दूसरों के openness, प्रति संवेदनशीलता and awareness. बढ़ाएंगे और खुलापन एक दूसरे के प्रति निर्माण करेंगे और मैत्री का विकास करेंगे। And I'll talk us through the stages rather than using a bell today. तो मैं जो है बेल का इस्तेमाल न करते हुए मैं हर एक चरण के बारे में कहूंगी, आपको इंस्ट्रक्शंस दूंगी। Creating a space for metta हम to लोग arise in your मित्रता की experience, to meet परिस्थिति को whatever experience you're having. निर्माण कर रहे हैं और इस मित्रता भावना से हम सभी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
get a sense of being enveloped or surrounded by metal. So absorbing it just in being. तो मिता का विकास कीजिए और उस Or मिता के वले में अपने आप को पूरी तरह से सम्मिलित कीजिए। patiently breathing it in. So it's around us. वो मिता का वलय जो है हमारे इर्द गिर्द है And of course within us. और साथ ही साथ मिता ये हमारे So whatever works. मन में है। Breathing metta in और मिता हमारे में and है, releasing. मिता बाहर में है Remember to carry, hold on to in this moment. और हम उस मिता के Or भावनाओं absorbing it से पूरी just in तरह our से being. जोड़ रहे हैं। केवल हम मित्ता Or के experiencing साथ it हैं bubbling up. और उस मित्ता से जुड़ने की Meeting वजह से हमारे मन में thoughts and आनंद निर्माण हो feelings. रहा है। हमारे मित्ता के विचार निर्माण हो रहे हैं, हमारे में मित्ता का Creating a अनुभव space of हम कर रहे हैं openness. और हम लोग धीरे धीरे अपने आप को खुला कर रहे हैं। Now, bringing a good friend to mind. अभी दूसरे चरण में हम Noticing अपनी अपना the जो effect it मित्र has है in your experience. उसके प्रति मित्र भावना निर्माण करेंगे, You bring them to mind. हमारे मन में की प्रतिमा लाने की कोशिश करेंगे। Connecting with how they are, और हम उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं कि वो express कैसे themselves in है the world, और वो किस तरह से किस स्थिति में है, उसके connected to प्रति जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। their desire, their deep हम wish उनके भावनाओं to से grow. जुड़ने का प्रयास करने वाले हैं, उनकी सुप्त इच्छाएं जो है विकसित होने की, उससे हम लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे अपने To be मित्र at से। ease, body and mind. हम शरीर और मन से उसे देखने का प्रयास कर रहे हैं।
both of you having a space of where metta can arise. स्वयं मैं और मित्र हम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और मेत्ता से लबालब भर गए हैं। Connecting with each other. हम एक दूसरे से का प्रति जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। With openness and sensitivity. हम and अपने awareness. आप को खुला कर रहे हैं, संवेदनशीलता हो रहे हैं और जागृति का स्तर, मित्रता का स्तर ऊंचा हो रहा है।
Appreciating the journey that your friend has been on. The ups and downs. Their hopes and fears. Recognizing. Appreciating their qualities that shine through. And their potential. To grow. To deepen metta and awareness. So coming back to oneself, just checking in, connecting with the ground, feeling the earth and the support of the earth beneath us. Metta arising in our experience, meeting our experience. Now we're going to move into a neutral stage. And for this stage, going to bring to mind all of us here, many of us here, practicing together now. Might be neutral, we don't know each other so well. And yet there are many bonds of connection between us. Connections of metta, love, appreciation. And we're connected to the deep desire we have to grow, to free ourselves from suffering.
wish all of us here on this Zoom, all of us practicing within Triratna, all those many, many people who are connected to us directly or indirectly in the world. We're going to bring to mind now a few people. So you can invite you, if you wish, to open your eyes. If you want to see the whole screen in gallery view, you'll see all of us here. And I'm going to start our rejoicing by bringing Shobit to mind. I don't know if we can pin him. There we go. So Shobit's in India, and I met him online during lockdown, and he was one of the LBC's regular attenders. He attended the LBC events, and he also attended our People of Colour events. So I met him in big spaces where many people gathered, and I met him in a smaller context as well. And yeah, he showed up really consistently, really regularly, and always did so with such positivity. He'd always give people feedback if they'd given a talk, positive feedback. Really, and also was always asked really helpful questions as well. So you knew he was really present. And yeah, we just enjoyed his company whenever he joined us. And then for a while, I didn't sort of hear from him. And we were saying, well, gosh, who's heard from Shobit? And we hadn't heard from him. And it turned out that he suffered a really sudden bereavement. And the outpouring really of people that wanted to connect with him and support him during that time was very strong. So yeah, I was very glad when he sort of rejoined activities again. And I didn't sort of see him, I didn't have much contact with him after that until I was at Adishtana last year, walking along, out of the shrine room, and I saw this very friendly person. And I ओ just शोभित stopped जो है and कि said, Who are you? वह आ गया है And he वो said, पूजा Yeah, स्थान में आया Surya एलबीसी में आया was Shobit. And और we जब hadn't मैंने obviously उसको met anybody else देखा before. So, व्यक्तिगत रूप से we just sort आमने of, it was just सामने उसे suddenly that देखकर we were मुझे friends, even आनंदित though we'd met online. It felt आनंदित like हो there was a गई very strong और connection हम there. ऑनलाइन And मिलते since then, रहते थे we've talked लेकिन जब twice, आमने John, सामने we met प्रत्यक्ष up. मिले तो हम एक दूसरे से Yeah, बहुत प्रभावित I हुए met और with एक him दूसरे during के the हम online अच्छे मित्र LBC हैं events, ऐसी this Shobit, भावना this हमारे मन में friendliness, this निर्माण हुई। positivity, this generosity, will also शोभित let us यह grow. एक And बहुत ही over this time that we've spent more सकारात्मक time व्यक्तिमत्व है, together, he's वह दानी grown है ability to meet challenging circumstances. There's a और depth of उसमें faith क्षमता that है he कि also वह has कितनी भी बड़ी that makes समस्याएं sure this is आए true. उसके परे जाने की So I'm वो very कोशिश inspired by करता है। Shobit. I'm inspired by your friendliness, your तो ability शोभित जी to से मैं connect with प्रेरित many, हूँ many क्योंकि people. शोभित में And I'm काफी inspired मैत्री by है the way you meet और उसमें challenges, the way you बहुत meet ही suffering, उत्साह है कि and you're वह किसी determined भी आह्वान के to परे जा सकता withstand है it and और grow through उसको it. और So, शोभित Shobit, का मैं thank you बहुत for being बहुत a good पुनरानुमोदन friend. करती हूँ यहाँ और मैं उसका आभार मानती हूँ कि वो मेरा एक अच्छा दोस्त है। Says unmuted. Can we hear you, Shobit? You can unmute. Yeah, thank you so much, Surya Gupta. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य Yeah, गुप्ता I'm just following मेरा things. पुनरानुमोदन किया तो I'm just processing it मैं more. बहुत ही I'm trying भावनिक to हो गया clear my हूँ। plans and ways. I think I got this life from Sangha, and my मुझे जो journey है to संगत की वजह से जीवन मिला है एक नया जीवन मिला moment है। actually has been,
has been inspired by all of you. Actually, I've been looking. और सभी लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है और मुझे प्रेरणा देकर इस संगम में मैं दाखिल हुआ हूँ. I'm here only because of LBC and our sangha. और मैं केवल गौतम बुद्धि सेंटर के वजह से और संघ की वजह से यहाँ पर हूँ. तो आपका सभी का आभार व्यक्त करता हूँ. मैं जो कैटरीना है उससे मैं उसका मैं आभार व्यक्त करती हूँ. तो मैं भारत में हूँ लेकिन कैटरीना जो है वह इंग्लैंड में है. लेकिन फिर भी मैं उससे जुड़ रहा हूँ मित्रता की वजह से. और कैटरीना ने मुझे बहुत बातों से प्रेरित किया है. कैटरीना बहुत ही प्रेरणादायी ऐसा व्यक्तित्व है और उसमें बहुत ही मैत्री की भावना है. वो बहुत ही कंपैशनेट है, करुणावान है. और हम लोग केवल 10 मिनट के लिए मिले और लेकिन हमें लगा कि हम कई दिनों से एक दूसरे के अच्छे मित्र हैं. और वह मुझे मैंने देखा कि वह मुझे अभय देती है और निर्भय बनने के लिए मदद करती है. मेरे कठिन समय में वह मुझे मदद करती है और मुझे अभय देती है, निर्भय देती है और मुझे प्रेरणा देती है कि आप किसी भी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं. और वो मेरे साथ जब वार्तालाप करती है तो बताती, वो ऐसा कहती है कि शोभित जो है दुख मुक्त हो. और मैं भारत में हूँ अभी फिलहाल लेकिन मित्ता के मित्ता से मैं जुड़ रहा हूँ कैटरीना से. और ये बहुत ही आश्चर्यकारक इस तरह का उत्सव हम मना रहे हैं. तो मैं कैटरीना के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ. तो इंग्लैंड में जब मैं यात्रा कर रहा था तो मुझे काफी काफी तकलीफें आ रही थी. तो कैटरीना वहाँ हर बार रहती थी मुझे मदद करने के लिए. और उसके मैत्री के वजह से ही मेरी इंग्लैंड की यात्रा सफल हुई. और बहुत बहुत धन्यवाद कैटरीना आपके मैत्री के लिए. धन्यवाद शोभित. और धन्यवाद धन्यवाद आपके मैत्री के लिए. और आप अच्छे रहे और तंदुरुस्त रहे. मेरा नाम कैटरीना है और मैं एसेक्स में हूँ और मैं एसेक्स बौद्ध संघ से जुड़ी हूँ. तो मैं आज चंद्रचित्ता का आभार मानना चाहती हूँ, उनका पुण्यानुमोदन करना चाहती हूँ. चंद्रचित्ता गुड मॉर्निंग. और मैं चंद्रचित्ता के गुणों का पुनरानुमोदन करना चाहता हूँ. हम एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते नहीं है लेकिन जब भी मैं मिली हूँ कि उससे मैं काफी प्रभावित हुई हूँ. जब भी मैं उसे मिली हूँ तो मैं उससे ज्यादा प्रेरित हुई कि वो बहुत ही चमकदार और मित्रता के साथ वह किसी भी व्यक्ति का हार्दिक स्वागत करती है. गर्म जोशी के साथ वह मिलती है लोगों से. इससे मैं काफी 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 प्रभावित हुई. तो मैं इस तरह के गर्म जोशी से मिलने वाली व्यक्ति को मैं बहुत पहली बार मिली हूँ जिससे मैं काफी प्रभावित हुई हूँ. और जो उसका आचरण है कितनी गहराई में करती है वह उसके मैत्री में झलकता है. मैत्री से वो प्रतिबिंबित होता है. और हम उसके बाद हम एक दूसरे के साथ संपर्क में सातत्य से है. तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हुई हूँ उनसे क्योंकि चंद्रचित्ता जो है ये जो उत्सव मना रहे हैं उसमें वो
वो संगम में कई सालों से वह दीक्षित हुई है और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। And I was very struck by their depth of friendship and this naturalness that they had together in wanting to show that off in the Sangha, and in और particular चंद्र the चित्ता में Sangha बहुत ही मैत्री है और वो संगम में because उस that मैत्री को friendship is बांटना very चाहती है rare. हर What really stood किसी out for व्यक्ति me के साथ। was that the order is made up of really strong friendship, तो and that मैंने 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 अनुभव किया हूँ people who's कि living around the corner to us. मेता के नेटवर्क के वजह से, नेटवर्क से यह संघ जुड़ा हुआ है और संघ की निर्मिति हुई है। और आपसे मिलकर जो है मैत्री जो है इससे काफी प्रभावित हुई हुई है। और चंद्रचित्ता जो है वो किस तरह से मैत्री लोगों के साथ बांटती है यह देखकर काफी 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 मैं प्रभावित हुई और उसने मुझे रास्ता दिखाया है कि हमने मैत्री लोगों से कैसी बांटनी चाहिए। और मैं अंत में उसका बहुत पुनर्नमोदन करना चाहती हूँ कि वो जिस जिस क्षेत्र में तज्ञ है, उसका अभ्यास अच्छा है, तो वह लोगों से बांटती है और लोगों के साथ प्रज्ञा बांटती है। लोगों के प्रज्ञा के ऊपर उन्होंने प्रवचन दिया है, कई अभ्यास उन्होंने लिए हैं और उसका अभ्यास से काफी लोग प्रभावित हुए हैं। Although we don't have a lot of contact, to know that you're out in the world sharing all of those lovely qualities with anyone that you come across. So thank you, Chandra Chitta. बहुत बहुत धन्यवाद Please keep sending चंद्रचित्ता, messages to और me. मैं आपका बहुत That's पुण्यानुमोदन good to करती know, हूँ। Katrina. Very lovely. Thanks so much. बहुत बहुत धन्यवाद कैटरीना, I'm आपने Chandra मेरा Chitta, and पुण्यानुमोदन I'm किया। here in County Kilkenny in Ireland. मैं आयरलैंड से हूँ, वहाँ के बुद्धि Sorry, सेंटर से हूँ। Sandra. मैं अभी वेसंतारा का Sorry, पुण्यानुमोदन करना Sandra. चाहती हूँ और Sorry, वेसंतारा Sandra. का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। And I'd like to rejoice in three of your qualities, if that's okay. तो वेसंतारा की जो तीन महत्वपूर्ण Firstly, गुण है is उसका the मैं पुण्यानुमोदन sense of करना चाहती bringing हूँ harmony to the Sangha. और उसमें उन्होंने बहुत बड़ी क्षमता है कि संघ में सुसंवाद निर्माण करने के लिए वे मदद करते Kind of meet people where they are, just where they are, and और वे संघ में जहां भी whether वे they're लोग हैं उनसे वो spiritually मिलते, or they're devotional or वो body केवल meditators, you can really listen वो deeply लोगों से जुड़ते and हैं speak और everything वो from संस्कृति और पार्श्वभूमि के personal परे experience. जाकर लोगों से मिलते हैं। Amazing quality to have, बहुत बहुत especially अच्छी those masters. ऐसी ऐसा गुण है उनमें जिसका मैं That leads पुण्यानुमोदन me करती हूँ। on to the second quality, which और is दूसरा जो उनका महत्वपूर्ण गुण है the kind of simple but very powerful way that you teach the Dharma. और बहुत ही सरलता से और All the सशक्तता depth से वे spiritually, धम्म so confidence in yourself, का प्रशिक्षण देते हैं। value. And over the मैं years, उससे बहुत बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हूँ उनके धम्म अभ्यास से, धम्म these प्रशिक्षण courses से। up to present day. I've been on your calm insights and nature of mind course. और मैं It's really उनके spoken to कई my soul, अभ्यासों से अवगत हुई हूँ, and जैसे that is कि a very नेचर personal ऑफ माइंड background इस and ये कोर्स perspective. मैंने This has उनका उससे been जुड़ी थी very और उनका जो profound शांत स्वभाव है वह and उससे मैं spiritually काफी जुड़ी transforming. और उनके अभ्यास से मैं I think what बहुत I've seen ही most about प्रभावित you हुई and और मैं really परिवर्त मेरे में काफी the परिवर्तन quality आए। I appreciate the most about Vasantra is that ये मैं your तीसरे जो गुण है impermanence, जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा गुण है omnipresence, और and उनका जो अस्तित्व यह है हृदय the great good fortune that से वे उपस्थित होते हैं किसी के भी सामने और happened किसी to को me मिलने के recently लिए। when I met you for the first time so तो many years वेसंतारा ago. जब आर्यल आर्य आयरलैंड से To संगम में me, आए मिलने के it लिए has this incredible heart और opening उनके intention, केवल and it's really उपस्थिति से upsetting me ही sometimes, संग kind of embarrassing, but संघ जो है काफी प्रभावित especially हुआ है। तो उनकी जो something उपस्थिति I hope है you can वही appreciate. बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी दिखाई And I देती think है। it's because your qualities of heart are so developed, that for me you're the most metaphorical person I know. And तो if you मैं can appreciate ऐसा both व्यक्ति से मिली हूँ कि the जो honor
जिन्होंने मेरा जीवन काफी प्रभावित किया है, और मैं उसे उन्हें मैत्री भेजना चाहती हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय मित्रता भावना के सराव में मैं उनको मैत्री प्रदान करती हूँ। बहुत धन्यवाद वेसंतरा। धन्यवाद धन्यवाद मैत्री चंद्रचित्ता, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं अधिष्ठाना से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम वेसंतरा है। तो मैं जो है अभी न्यूजीलैंड के जो ब्रह्मचारी है पूर्णा, उनका मैं उपनानुमोदन करने वाला हूँ। तो मैं उनका दोस्त हूँ और मैं कई बार उनसे मिलने की मिला हूँ। तो 1970 से मैं उनसे जुड़ा हूँ, तो त्रिरत्न जो फैल रहा है न्यूजीलैंड में उसके लिए वो काफी मदद करते हैं, और मैं बहुत सुदई हूँ कि मैं उनसे जुड़ा हूँ। वो काफी ओपन हार्टेड, जिसे कहते हैं कि मैत्री से लबालब भरे हुए संवेदनशील, ऐसा उनका व्यक्तिमत्व है, और हर बार वो तैयार होते हैं लोगों को मदद करने के लिए, और अलग अलग पद्धतियों से वो लोगों को मदद करते हैं। और वो बहुत ही मधुर वाणी का उपयोग करते हैं, और उनको हमने सही में करीबी से सुनना चाहिए कि किस तरह से वो मधुर वाणी का उपयोग करते हैं, और उनकी यह बहुत ही बड़ी बड़ा गुण है। और वो सही में अपने अपने मन को वो गहराई से जानते हैं, और अपने फीलिंग से हर बार जुड़े रहते हैं, और जो अंदर का जो उनका भाव है कि इंट्यूशन है वो क्या है, वो बहुत ही गहराई से वो देख सकते हैं और वहां तक पहुंच सकते हैं। मैं उससे प्रभावित हूँ। त्रिरत्न जो है बहुत ही सुदैवी है, और हम एक दूसरे से इतने 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 सालों से जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही भाग्यशाली हुआ है कि ऐसा मुझे मित्र है त्रिरत्न में, और बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ मैं पूर्णा को देखकर। मैं भला ही न्यूजीलैंड में जाता नहीं हूँ, लेकिन मेरा हृदय हर बार इंग्लैंड जाते रहता है, और मैं आशा करता हूँ कि हमारा जो जुड़ाव है वो सभी सभी स्थानों से परे जाए, शब्द से परे जाए, और हम आसमान में एक दूसरे को मिले। धन्यवाद धन्यवाद वेसंतरा, मैं काफी गदगदित हुआ हूँ आपका यह गुणगान सुनकर। मेरा नाम पूर्णा है, मैं न्यूजीलैंड से हूँ, और मैं वेलिंगटन से हूँ। तो मैं जो है मेघा का पुण्यानुमोदन करने वाला हूँ, धम्मचारिणी मेघा। तो 1974-75 में जब बंते पहली बार न्यूजीलैंड आए थे, तब से मैं मेघा को जानता हूँ। तो मेघा का अर्थ होता है कि मेघ, जिसे बादल कहते हैं, तो ऐसा जो बादल है कि जो आसमान से आसक्त नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो बादल है,
she's been a key part of the establishment of the Dharma in both Australia and New Zealand. तो मेघा जो है ये बहुत ही ऐसे महत्वपूर्ण प्रेरणादायी व्यक्ति पद्म है कि जिसने बहुत मदद की है, योगदान दिया है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना करने के लिए, और वह बहुत ही दान प्रवृत्ति की महिला है। बनते संघ और अपने दोस्तों को, करीबी दोस्तों को काफी दान दिया है, और उनकी जो मेत्ता है अलग अलग लोगों के साथ है, संस्कृति और पार्श्वभूमि के परे जाकर वे लोगों से मैत्री करते हैं। तो जो है ऐसे बादल है कि जो पूरी तरह से मैत्री से लबालब भरे है और सारी दिशाओं में वह फैलता है, घूमता है और लोगों को मैत्री बांटते रहता है। तो मेघा से मिलने से मैं इस बात से बहुत बहुत प्रभावित हूँ, और वह बहुत ही नजदीकी से महिलाओं को प्रशिक्षित करने के लिए काम करती है, ब्रह्मचारिणी दीक्षा के लिए मदद करती। तो वह उन्होंने प्राइवेट प्रिसेप्टर करके 26 महिलाओं को उन्होंने दीक्षा दी है। और बहुत सारे जो लोग हैं कि जो उनसे दीक्षित हुए वे उनका पुण्यानुमोदन कर रहे होंगे और देख रहे होंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णा। मुझे बहुत आनंदित महसूस हो रही हूँ कि मेरे जो ब्रदर है, धम्म ब्रदर है, उनसे सुनकर। तो मैं अभी सूर्यगुप्ता का पुण्यानुमोदन करने वाली हूँ। मुझे पता नहीं कि अपन कभी मिले हैं। मुझे बहुत ही आनंदित महसूस हो रही हूँ कि मैंने कभी आपसे मिली नहीं है, लेकिन यह ऑनलाइन आपको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और तो आपका जो नाम है, ये नाम ही बहुत ही प्रेरणा देने वाला है, और वो नाम ही आपको बहुत ही प्रकाशित करता है, और वो चमक आपके चेहरे पे चमक निर्माण करता है। तो मैंने देखा कि आपके जो जड़े हैं वह जड़े आसमान में हैं, भलाई धरती से आप जुड़े हो लेकिन आपकी जड़े आसमान में है, आसमान की ओर है, जिसकी चमक आपके चेहरे पे दिखती है। आपका जो वार्तालाप सुनकर मैं समझ गई कि भंते से आपको कैसी स्पष्टता मिली, और आपका जो आपकी स्टोरी सुनकर मैं बहुत ही प्रभावित हूँ और बहुत ही स्पष्ट हूँ। और आप अपने आप में बहुत ही स्पष्ट हूँ, और बहुत आसानी से हम मैं आपसे जुड़ सकती हूँ, और आपसे सुनकर मुझे मैत्री की भाव निर्माण होती है। बहुत धन्यवाद मेघा। मैं भी आपके बारे में बहुत जानती हूँ मेघा, बहुत सारे लोग मेघा आपका पुण्यानुमोदन करते हैं, आभार मानते हैं, और हम ऑनलाइन मिलकर देखकर मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। तो देखिए हम लोगों ने कैसे एक दूसरों का पुण्यानुमोदन किया है, आभार किया है अलग अलग लोगों का, और हम सभी लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं कि एक दूसरे का हम पुण्यानुमोदन कर रहे हैं, और इस पुण्यानुमोदन से हम स्वयं लाभान्वित हो रहे हैं। तो अभी हम लोग जिस चीज से लाभान्वित हुए हैं, उस भावनाओं को हम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए कोशिश करेंगे, प्रत्यक्ष तौर पर अप्रत्यक्ष तौर पर हम लोगों में जाकर इसकी तरह से मदद करेंगे, मदद करने का प्रयास करें।
हम फिर से एक बार फीलिंग शांत बैठने का प्रयास करेंगे और फिर से हम हमारे मेता के संपर्क में आइए। तो जिस तरह से हमने मैत्री एक दूसरे से बांटी है पिछले तीन चरण में, और ये जो मेता हमारे अपने आप से प्रकाशित हो रही है और दूसरों से भी प्रकाशित हो रही है, और दूसरों का पुण्यानुमोदन करके मैत्री और भी विकसित हो रही है। You may wish to create a space of gratitude. तो हम कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाए। Efforts of many, many people. कई लोगों ने प्रयास किए, प्रयत्न किए हैं, उनके प्रति हम कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। हमारे मन में उन सारे लोगों की प्रतिमाएं लाने का कोशिश करेंगे कि जिन्होंने त्रिरत्न को निर्माण करने के लिए अपना योगदान दिया है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। Benefited by many, many people. और उनके वजह योगदान के वजह से कई कई लोग लाभान्वित हुई है, वर्तमान में लाभान्वित हुई है, भूतकाल में लाभान्वित हुई है और भविष्य में लाभान्वित होंगे। हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, इसके परे जाकर हम उन सारे लोगों को याद करें और वे लोग भी लाभान्वित हो दूसरों की मेत्ता की भावना से, उनकी प्रगति हो और उनका विकास हो और उनमें मैत्री का अनंत विकास निर्माण हो और वह विकास सभी जगत में फैले, व्यक्ति व्यक्ति के माध्यम से, हर एक जीवों के माध्यम से। Through that wave of metta, of friendliness and openness. तो इस मैत्री की लहरें जो है वह धीरे धीरे फैलाइए, be connected. अनुभव कीजिए to our common journey. और हमारी सभी की यात्रा common या एक समान है और हमारी सभी का अनुभव है कि हम हमारी यात्रा में हम यात्रा में उतार चढ़ाव आते रहते और हम फिर भी हमारा प्रयास जारी रखते हैं। हम हमारी जो अड़चने हैं, दुख है, उसका सामना करते रहते हैं और हमारी जर्नी हम निरंतर रखते हैं। We can stand in solidarity. और हम एकात्मिकता का अनुभव लेते हैं, एकाग्रता का अनुभव लेते हैं, हम इंटीग्रेशन का अनुभव लेते हैं, एक दूसरे के प्रति हम दिल से भावनाओं से जुड़े हुए हैं। हमारे में वह क्षमता है और हम हमारे अमर्याद मन की ओर जा सकते हैं और इसका प्रतिबिंब
इसका अनुभव हम हर पल हर समय ले सकते हैं। And we create the conditions. और हम लोग सभी लोग मिलकर ऐसे वातावरण की निर्मिति करते हैं जो भी जीव हमारे इस संपर्क में आता है उन्हें उसे लाभ होता है। May all beings be well. May all beings, without exception, be happy. Find happiness and the causes of happiness. May all beings, without exception, be free. सभी जीव मात्र सजीव मित्र मात्र दुख मुक्त हो and the causes of suffering. और जिस कारण से वे दुख है उस कारणों से वे पूरी तरह से मुक्त हो सभी सजीव मात्र मुक्त हो We all make spiritual progress. सभी सजीव प्राणी मात्र आध्यात्मिक प्रगति करें, धार्मिक प्रगति करें। Coming back gradually. धीरे धीरे हम सभी लोग यहाँ पे जो उपस्थित है उनसे जुड़े Share in this moment. और यह जो पल है हम एक दूसरे से बांट रहे हैं
जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाद में धीरे धीरे अपने स्वयं के संपर्क में आए। Appreciating और हम your efforts. अपना स्वयं का की प्रशंसा करें, हमारे प्रयास की प्रशंसा करने efforts to bring metta into being. तो हमारे जो प्रयत्न है And प्रयास share है with जो each हम मेत्ता निर्माण करके दूसरों की मेत्ता में हम शामिल हुए, सभी सजीव मात्र प्राणी मात्र के प्रति हमने मेत्ता विकसित की, इसका हम पुनः अनुमोदन करते हैं। When you're ready. जब हम तैयार होते हैं opening your eyes and closing धीरे धीरे हमारी आंखें खोल दीजिए और हमारा सराव हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। Thank you for धन्यवाद। sharing practice. I'm gonna hand back now to Nana Dharma. धन्यवाद सभी का और अभी ज्ञान धरा। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य गुप्ता, और बहुत ही मैं गर्म जोशी के साथ इसका नेतृत्व किया, बहुत बहुत धन्यवाद। The Americas, so we didn't have anybody participating in that from the Americas because it's the middle of the night there. So तो अमेरिका से हमारे यहाँ कोई जुड़ा नहीं है, क्योंकि अमेरिका जो है यहाँ पे अभी मध्य रात्रि हुई है, तो वहाँ से कोई आ नहीं सका, तो लेकिन बाद में वे आने वाले हैं। नंद वज्र अभी हमारे से जुड़ने वाले हैं, वे फीचर धर्म फंड से है। Good morning, Nanadara. Yeah, great to see you. And you. Good morning, Nanadara. Nanda Vajra. So let me just, I think just change it on my computer. So you're the director of Future Dharma Fund, and of course this day is happening in collaboration with. और आप डायरेक्टर हैं Future Dharma Fund से. Why did you start Future Dharma Fund? तो आपने Future Dharma Fund का निर्माण क्यों किया? This was, I think, around 2015, and the 2015 में इसका जो है चर्चा हुई, और सभी लोग मिलकर 2015 में बहुत बड़ा दान निर्माण करना चाहते थे, और युवा लोगों में काम करना चाहिए और नए नए जगह में त्रिरत्न की निर्मित करनी चाहिए। There was a whole process of consultation. तो ये जो प्रक्रिया है फिर चलती रही कि यह दान हमने कैसे निर्माण करना चाहिए। तो नौ बातें जो है जिसको हमने विकास करने की कोशिश की, तो हमने इसका सलाह मसलत अंतरराष्ट्रीय काउंसिल से की, ऑर्डर कन्वेनर से की और मोमेंट से की। European Chairs Development Team, and we were asked. तो मैं जो है चेयरमैन मीटिंग के साथ मिलकर काम करता था, तो फिर चेयर मीटिंग से वो मुझे सुझाव दिया कि आप फ्यूचर धर्म फंड से में काम करें और एक चैरिटी का निर्माण करें, और हमने फ्यूचर धर्म फंड जो है इसकी निर्मित हुई। I mean, I suppose when you're working in the institutions in our movement, there's always a sense of frustration with funding. Just a really strong desire. So, well, let's see if we. तो दान निर्माण करने के लिए अगर दान जमा नहीं होता है, तो इसके वजह से काफी निराशा आती है। तो इसके बारे में क्या आप बता सकते हैं कि दान की मुहिम जो है वो किस तरह से परिणामकारक चल सकती है? क्या आप आपकी जो दृष्टि है, महान दृष्टि है, इससे हमें अवगत कराएं ताकि हम लोग आपको मदद कर सके? Well, I mean, I suppose I just wanted to pick up on what you know the theme of the day, and basically what we want to do is we want to help Tri Ratna develop
तो हम लोग जो है कि त्रिरत्न को मदद करने करना चाहते हैं, त्रिरत्न की जड़ें जो धरती पे फैले और आसमान में भी फैले, और इसके लिए हम मदद करना चाहते हैं। और ऐसे प्रकल्प है कि जिसे हम मदद करना चाहते हैं कि जो धम्म को गहराई में लेके जाना चाहते हैं, हम ऐसे प्रोजेक्ट प्रकल्प को मदद करते हैं कि जो शिविर केंद्र इसमें निर्माण इसमें इन्वॉल्व है और ऑर्डिनेशन टीम है जो इसमें सम्मिलित है, और जो भाषांतर करते हैं उनको भी हम लोग मदद करते हैं। और ऐसे कोई प्रकल्प है और नए केंद्र खोलना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार के ऐसे प्रकल्प है जिसे हम मदद करना चाहते हैं। तो कई ऐसे प्रकल्प है कि जिनको 100 pounds की जरूरत होती है, या तो 1000 और 10,000 10,000 pounds की जरूरत होती है। तो मैं न्यूजीलैंड में था और फिर मैं अभी अधिष्ठान में आया, तो अधिष्ठान में आकर मेरा जो अनुभव है बहुत ही मैं प्रभावित हुआ हूँ अधिष्ठान से, और फ्यूचर धर्म फंड के संपर्क में आया और मैंने देखा कि फ्यूचर धर्म जो फंड है किस तरह से काम कर रहा है, उससे मैं प्रभावित हुआ। You've got this role of the international movement coordinator, and I happen to think that just to say something about. तो अभी उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि इंडिया के जो मूवमेंट कोऑर्डिनेटर है नानाधरा है, इंटरनेशनल मूवमेंट कोऑर्डिनेटर है नानाधरा, वह अंतर्राष्ट्रीय त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के कोऑर्डिनेटर है नानाधरा। तो अभी जो And can you hear me all right? Yeah, we can now. We just dropped you for a second there. Yes, I'm in the northeast of England where internet is a bit patchy, so hopefully it will hold up. You're okay. Just need another couple of minutes. मेरा इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा कम ज्यादा होता है. Yes, so your role is very much about helping other areas to develop those resources. तो नानाधरा का जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि अलग अलग क्षेत्र में इसकी त्रिरत्न की जड़ें फैले, अलग अलग जो ग्रुप है त्रिरत्न के जो ग्रुप है उनको मदद हो, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। और फ्यूचर धर्म फंड आपको मदद कर रहे हैं और आप हमको मिले हैं, इसका इससे हम आनंदित हैं और हम कई जगह इस मदद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं फ्यूचर धर्म फंड को मदद करना चाहते हैं, तो कैसे मदद करें? तो मैं फ्यूचर धर्म फंड के लिए मैं अभी दान जमा कर रहा हूँ। £5,000 today. तो हम लोग 5,000 pounds जो है खड़ा करने की हम कोशिश करना चाहते हैं। आज हम 5,000 pounds जमा करना चाहते हैं। हो सकता है कि 5,000 pounds के परे जाकर हम दान जमा कर सकते हैं। तो हम सभी लोग अवलोकितेश्वर के हाथ हैं। अगर हर एक हाथ अगर आज मदद करते हैं, अगर 50 लोगों ने अगर 500 अगर 50 लोगों ने अगर 50 pounds अगर देते हैं तो 5,000 हो सकते हैं। 100 लोगों ने 50 pounds दिया तो 5,000 pounds हो सकते हैं। और अपराजिता ने कैसे दान देना चाहिए ऑनलाइन उसकी लिंक भेजी है, तो आप दान देने की शुरुआत कर सकते हैं। But for now, I just wanted to say thanks very much
to Surya Gupta. Thanks very much to all the people. बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद नंदवज्र आपके योगदान के लिए. Thanks to Nandavajra for visiting us this morning. बहुत धन्यवाद नंदवज्र. Just to let you know that if you've got any feedback, I would really, this is still a bit experimental, even though we've done it a few times before. So ये हम उत्सव ऑनलाइन मना रहे हैं. आपको अगर कोई अगर फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ आप सूचनाएं देना चाहते हैं तो आप नीचे में जो लिंक दी हुई है वहां जाकर अपना लिंक दे सकते हैं. तो हम लोग जो 25 मिनट के बाद फिर से इकट्ठा आने वाले हैं नागबोधी और पारामार्था इनको सुनने के लिए, इनसे वार्तालाप करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के योगदान के लिए. आर्य केतु का धन्यवाद और पार्मी का धन्यवाद और लोगों का धन्यवाद. आपका हार्दिक स्वागत है स्त्री रत्न के वर्धापन दिन में. मेरा नाम दमचारी नानदरा है, मैं अधिष्ठाना से बात कर रहा हूँ. तो हम थोड़ी देर में नागबोधी और परमार्था से मिलने वाले. आज के दिन हम तो हम अधिष्ठाना को देखने वाले. तो अधिष्ठान का जो मंडला है तो संगदेवा यहाँ रहते हैं. संगदेवा 1983 में पंते से उनकी दीक्षा हुई है और आज 40 साल के वे धर्मचारी है और बहुत ही प्रेरणादायी व्यक्तिमत्व है. तो अभी मैं 10 साल से अधिष्ठान में हूँ. तो मैं यहाँ पे केवल अपना मजदूरी का काम किया करता था. तो अभी मैं कई दिनों से अधिष्ठाना में जो गार्डन बनाने का, बगीचा बनाने का कार्य कर रहा हूँ. तो आप अभी ये जो गार्डन देख रहे हैं तो उसे देखना कैसे चाहते हो इस जगह को भविष्य में. तो भंते जी चाहते थे कि उनकी जो भी वारसा है या जितना भी उनका जो भी निर्माण किया हुआ है वो एक जगह मिले जो अधिष्ठान में उनकी सारी जो लिगेसी है या परंपरा है हमें यहाँ मिलेगा. और गार्डन में हम उसके कुछ अनुभव ले सकते हैं. तो इस धरती पर यह महत्वपूर्ण त्रिरत्न की एक यह जगह है अधिष्ठान की. भंते जी ने इसके बारे में बहुत बहुत गहराई से सोचा और बहुत बहुत साल पहले भंते जी ने इस बारे में सोचा था. लेकिन वो चाहते थे कि उनका जो वारसा है वो हर जगह ना जाए. वो चाहते थे कि एक ही जगह में उनका सारी जो परंपरा है, वारसा है, उनकी जो लिगेसीज है वो एक जगह रहे. और इसलिए अधिष्ठान की निर्मिति की गई है. यह उसके पीछे का उद्देश्य है, इसकी यह दृष्टि है. और इस धरती के ऊपर अधिष्ठाना का अलग महत्व है. इसका महत्व आपके लिए क्या है? इसका नाम अधिष्ठाना है. तो अधिष्ठान का अर्थ क्या है? तो लाइब्रेरी में हम जो लोग ध्यान कर रहे थे तो आधी बिल्डिंग हो चुकी थी और वहां मैं ध्यान कर रहा था. ब्लैंकेट मैंने ओढ़ कर ध्यान करता है और अधिष्ठान का अर्थ क्या है ये मैं सुन रहा था. जब मैंने अधिष्ठाना इसकी कल्पना शक्ति की तो मैं ध्यान की अवस्था में चला गया. तो हमारा जो महासंघ है वह अधिष्ट
स्थाना में आपको इसका अनुभव मिलने का अनुभव मिलता है। जब सभी लोग जब दीक्षित होते हैं तो हमारा पूरा का पूरा जो महासंघ है वह अधिष्ठाना है। तो you've sort of evoked the connotations of the word and what it means to you, but what does the word kind of mean? It means blessing. So adishta ka matlab arth kya hai? So adishtana ka arth yahi hai ki aashirwad. So adishtana se hame blessings milti hai, aashirwad hame milta hai. Something else, some sort of spiritual dimension, let's say, for want of a better word. So adishtana se hame adhyatmik ta ki aur jane ki prerna milti hai. Of spiritual energy, as it were. So we're trying to align ourselves with that spiritual energy. So अधिष्ठान से माध्यम से हम इस धरती पर इस धरती पे हम लोग इस तरह की परिस्थिति निर्माण करनी चाहती है कि जो हमें बोधिचित्त की ओर लेके जाए, आध्यात्मिक ओर लेके जाए और पूरे जगत में उसके किरणें जाए अधिष्ठाना से। तो भंते ने ये नाम दिया है तो अधिष्ठाना का प्रमुख जो उद्देश्य है लोकोत्तर की ओर जाना। और ये जो नाम है भंते जी से आया हुआ है। तो भारत के कन्वेंशन के दरमियान उन्होंने यह नाम उन्होंने अनाउंस किया। तो बहुत पहले उन्होंने इस नाम का नाम तय किया था उन्होंने। तो अभी दूसरा फेज अधिष्ठाना का क्या है? तो अधिष्ठाना को हम अभी धीरे धीरे विकसित करने वाले ला। तो भंते जी की जो शिक्षाएं है उसको विकसित कैसे करना इसका मैं भाग नहीं हूँ तो मैं वो बता नहीं सकता हूँ। तो ये महत्वपूर्ण काम अधिष्ठाना से होता है। तो यह जो गार्डन जो मैं काम करता हूँ गार्डन में, तो गार्डन मेरे लिए केवल गार्डन नहीं है, ये सामान्य ऐसा गार्डन है, लेकिन मुझे गार्डन को बहुत अच्छा सुंदर बनाने के लिए मैं मेहनत करता हूँ और उस माध्यम से मुझे जो लोकोत्तर आनंद है वह आनंद मुझे मिलता है। कभी कभी मेरे आंखों में आंसू आते हैं और जब मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत ही हर्ष होता है, मैं आनंदित रहता हूँ। और ये क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन सही में इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और नए नए और बिल्डिंग बनाने का, एक नई बिल्डिंग और बनाने का चल रहा है और ये बहुत ही सुंदर बनाने का प्रयास चलने वाला है। तो लोकोत्तर विकास के लिए प्रेरणा मिले यह अधिष्ठाना का उद्देश्य है। तो जो इसकी जड़े है अधिष्ठाना में जा रही, अधिष्ठाना में गहरी जा रही है और आसमान में भी जा रही है। तो हम लोग नागबोधि और परमार्था से वार्तालाप करेंगे। तो नागबोधि उनके अच्छे मित्र है, लेकिन परमार्था जो है 30 साल से परिचित है भंते से। तो नागबोधि कई सालों से संपर्क में, वो डायरेक्टर थे विंडोज पब्लिकेशन के। तो भंते जी के साथ बहुत ही नजदीकी से उन्होंने काम किया नागबोधि ने। द बॉय मंक एंड मंक यह किताब नागबोधि जी ने लिखी है। तो परमार्था जो है वो अधिष्ठाना से काफी जुड़े हुए हैं। 30 साल से भंते जी के साथ उन्होंने रहे हैं और उनका बहुत बड़ा अनुभव है भंते जी के साथ रहने का। और मैं नागबोधि की ओर जाना चाहता हूँ। तो भंते जी के बारे में वार्तालाप की शुरुआत करें। धन्यवाद।
थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद ज्ञानधारा और संगधारा ने अच्छी बात बताई है। हम यहाँ अधिष्ठान में हैं, छोटे से रूम में हैं, इस रूम के बाहर 90 लोग जो है इस शिविर में हैं, तो कल्याण मित्रता शिविर ले रहे हैं। तो ये अच्छा वार्तालाप करने का मौका मुझे मिला है, केवल भंते जी के बारे में बातचीत करने का नहीं है, तो कल्याण मित्रता इस तत्व को भी हम परमार्थ से सुन सकते हैं कि परमार्थ ये 30 साल से वो भंते जी के से जुड़े हुए हैं, तो उनसे हम प्रत्यक्ष कल्याण मित्रता का अनुभव सुनेंगे। तो आपका जो संपर्क है कई समय से, तो मेरे किताब में मैंने एक कोट लिखा है, बंते जी इसका जो कोट है, बंते कहते हैं तो बंते जी के साथ जो भी जुड़ाव है कि एक शिष्य करके नजदीकी से अगर वह अनुभव जो है वह परमार्थ का है, सबसे अलग ऐसा अनुभव है, तो गुरु करके कल्याण मित्र करके कैसा उनका अनुभव। मैं भंते जी के अस्तित्व के बारे में जागरूक हूँ। उन्नीस सौ 1997 में मैं भंते जी से मिला जब इंग्लैंड में वो थे। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इंग्लैंड में रहूंगा, तो भंते जो है पद्मलोका में रहते थे और मैं गुयलोका में गया था, तो मैं यहाँ पे बहुत ही कम समय के लिए इंग्लैंड आया था, तो मैं भंते जी से ज्यादा मिलने की कोशिश करता था। मुझे पता चला कि मैं अभी ऑर्डर ऑफिस में काम करने के लिए आने वाला हूँ, तो पद्मलोका में मैं भंते जी के संपर्क में आए और भंते जी से वार्तालाप करते वक्त भंते जी ने ये कहा कि वो क्या करना चाहते। उस समय उनका ब्लड प्रेशर था, तो वो भंते जी इस समय में क्या करना चाहते उसके ऊपर वो जोर दिया करते थे, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अभ्यास करना चाहता था, उस स्फूर्तता से मैं धम्म के गहराई में जाना चाहता। तो 50 से 60 किताबें भंते जी ने लिखी है, तो भंते जी है मेरे साथ सातत्य से मिलते रहे और भंते जी का जो लिखा ने वो बहुत ही आश्चर्यकारक थे। तो मैं गुयलोका में एक समय में कहा कि मैं एक तरुण धम्मचारी करके मेरे मन में एक आइडिया आई है और मैं चाहता था कि
बंके जी के साथ तो भंते जी जो है ज्यादा से ज्यादा आचरण में भर देते थे और जो रियलाइजेशन है और जो रियलाइजेशन है जो दृष्टि का लाभ है वो कैसे हम ले सकते हैं उसके ऊपर भंते जी ज्यादा से ज्यादा जोर दिया करते थे। तो हम लोग उसके ऊपर अभ्यास कर रहे थे 88 से लेके 89 तक मैं उनके साथ था अभ्यास करने के लिए। तो आज कल्याण मित्र करके आप उनसे कब जुड़े? आप शुरुआत से ही एज ए कल्याण मित्र करके जुड़े या बाद में धीरे धीरे आपको उसका अनुभव हुआ? तो मैं जब परमार्था से मिला कि भंते जी का जो ये जुड़ाव है किस तरह से परिवर्तन हुआ, कल्याण मित्रता में कैसे परिवर्तित हुआ, तो बंते जी ज्यादा से ज्यादा जो उनके काम है वो मेरी ओर पास ऑन करते थे और मैं उनके हर काम करता था, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है व्यवस्थापन का काम है उनका। बहुत ज्यादा से ज्यादा मुझे संधि मिली तो हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा संपर्क किया करते थे। मुझे मैं न्यूजीलैंड से आया कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पार्श्वभूमि क्या है कि मैं बंते जी के साथ क्यों काम। बंते कभी भी अपने आप को लोगों पे लाते नहीं थे कि मैं कौन हूँ, मैंने किस तरह से मैंने लोगों से लोगों ने मुझे देखना चाहिए, ये चीजें वो कभी भी कहते नहीं थे। लेकिन भंते जी जो है बाद में इस बात के ऊपर बहुत चिंतन करना करते थे कि वो लोगों ने मेरे साथ किस तरह का उन्होंने पूरी तरह से मुझे संपर्क किया कि किस तरह से हमारा संबंध होना चाहिए गुरु करके और शिष्य करके। और मैं 30 साल से भंते जी के साथ था लेकिन मेरा कभी भी शारीरिक संबंध उनके साथ नहीं आया, सेक्सुअल संबंध मेरा कभी भी नहीं आया। तो वो मेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वो अलग अलग प्रकार के जो संबंध होते हैं, मानवीय संबंध होते हैं, उसके ऊपर चर्चा किया करते थे। उसमें सेक्सुअल संबंध भी थे और मैत्री भी थी और संपर्क भी था, इस विषय को लेके वे बातें करते थे।
उनकी जो ये बायोग्राफी है, उनके बायोग्राफी से मैंने काफी सारी चीजें ली हूँ। बौद्ध धर्म का भविष्य पश्चिम में क्या होना चाहिए, तो टेरी जो है वो बौद्ध नहीं थे, लेकिन टेरी के साथ उनका जो मैत्री का संबंध था वो कैसा था, के लिए क्या महत्वपूर्ण था। तो बंते का जो अपना दृष्टिकोण है मैत्री को लेके, वह स्पिरिचुअल था, आध्यात्मिक था, लोकोत्तर था। तो जो संपर्क जो है ये एक तरफा नहीं होता, जैसे गुरु और शिष्य का जो संबंध है, गुरु और शिष्य का जो मैत्री है वह दोनों तरफ से होनी चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए। इस बात पर भंते जी जोर देते थे। तो संघ जो रत्न है वह एक आदर्शवत रत्न है, जो आध्यात्मिक मित्रता के ऊपर आधारित है, जो आध्यात्मिक मित्रता से प्रकाशित होते जाएगा, चमकते जाएगा। और ये बहुत ही ऐसा आह्वानात्मक है कि भंते जब इस बात को कहते हैं कि किस तरह से हमने आध्यात्मिक मित्रता को फ्लरिश करना चाहिए संघ में, तो भंते जी ने मुझे इसे प्रशिक्षण दिया कि किस तरह से इस कल्याण मित्रता के तत्व को हमने त्रिरत्न के परिप्रेक्ष्य में प्रकाशित करना चाहिए। और एक किताब में एक कोट, तो भंते जी जो भी हमें प्रदान करना चाहते हैं उसको हृदय से हमने कैसे लेना चाहिए। और उनका जो व्यक्तिमत्व है अजय गुरु करके, वो बहुत ही प्रभावित है सभी जगत के लिए, संघ के लिए। तो जहाँ जहाँ भी जाते हैं उनका उपस्थिति का प्रभाव फैलते रहता है। तो भंते जी के बारे में वो भंते जी कहते हैं कि संघरक्षिता 1 और संघरक्षिता 2, ऐसे दो संघरक्षिता को लेके बात करते थे। He wanted at that age, given his health, to make a further creative contribution to the movement. So Bhante ji chahte the ki vyavasthapikiya sare zimmedari se apne aap ko mukt kare, taki vah Triratna Bodh Mahasangh ko ek uche drushti ki or leke ja sake. तो भंते जी के काफी वार्तालाप है जिसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और उनके सारे प्रवचन को हम किताब के माध्यम से प्रकाशित कर रहे हैं कि वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं। तो भंते जी के जितने भी सेमिनार उन्होंने लिए हैं, उस सेमिनार का भी अध्ययन किया जा रहा है और उसका किताब के माध्यम से उसको प्रकाशित किया जा रहा है।
single that phrase out as being significant, because I doubt you experienced the same side as I did. तो बंते जी एक बार कहते थे कि मेरा जो व्यक्तिमत्व है कल्याण मित्रता का तत्व या संघ स्थापित करना कल्याण मित्रता के आधार पर, ये मेरे लिए काफी आह्वान है, सबसे कठिन ऐसा कार्य है, लेकिन वो उन्होंने किया और उसका अनुभव हम परमार्था से सुन रहे हैं कि इस तरह से कल्याण मित्रता का तत्व परमार्था के माध्यम से प्रकाशित हुआ। और तो कई साल मैं बंते जी के साथ रहा और बंते जी का वले ही बहुत ही प्रभावित और प्रेरणादायी था। बंते रूम में अपने शांत तरह से बैठे हैं, वो अपना लिखान कर रहे हैं, वो मुझे टाटा कर रहे हैं, कभी कभी मेरे से देखकर, मेरी ओर देखकर स्माइल करते हैं। तो उनका जो उनके तरफ उनका निरीक्षण करना ही मेरे लिए बहुत 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 ही प्रेरणादायी और आनंदित करने वाला है। और भंते जी को मैंने देखा कि किस तरह से वह वलय को निर्माण करते थे, शांत बैठकर पूरे जगत में त्रिरत्न का प्रभाव कैसे निर्माण करते थे, ये मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। तो बंते जी का जो भी जो कार्य है वो बहुत ही महानतम है कि उनका जो जागृति का सराव बहुत ही आश्चर्यकारक है और उनका दैनंदिन जीवन जागृति से पूरा भरा हुआ है और वो काफी ही अपने आप को कटिबद्ध और प्रतिज्ञाबद्ध किया है त्रिरत्नों को फैलाने के लिए जगत में। वो कल्याण मित्रता का तत्व समझाते हुए हो, वो कहते हैं कि यह कल्याण मित्रता तत्व दो तरफा होना चाहिए, दोनों तरफ से होना चाहिए। और कोई भी शब्द का इस्तेमाल न करते हुए बंते जी बहुत कुछ कह जाते थे, शांत रहकर शांत मुद्रा से बहुत 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 वो शांत रहकर कह जाते थे। उनका जो शांत रहने की जो फीलिंग है वही मुझे काफी प्रेरित की जाती थी। और बंते जी क्या कहना चाहते हैं वो मैं पूरी तरह से संपर्क किया बिना समझ लेता था। और 30 साल का मेरा आश्वास्तव्य जो है बंते जी के साथ बहुत ही बहुत ही प्रेरणादायी था। उनका जो अस्तित्व ही प्रेरणादायी है, उस अस्तित्व के संपर्क में जाना ही लोकोत्तर का अनुभव है। तो मैंने मेरे पूजा स्थान में कुछ बंते जी के कुछ लिखे हैं जो बंते जी के और लेके जाता है। बंते जी का करुणावान अस्तित्व और पीसफुल शांत अस्तित्व मुझे बहुत प्रेरित करता था। Sit there for, you know, sometimes hours, just reflecting, just being
तो बंते जी है, कई बार मैंने देखा हो कि वे अपने चेयर पे बैठे रहते थे घंटों तक केवल चिंतन मनन करते हुए, और ये देखकर तो इनकी मुद्रा से मैं काफी प्रभावित हो जाता था। So I always felt that, and you know, for some people it would be very unsettling. I know when I took my Bante back to visit New Zealand, the deep south of the South Island, the Kaiwa, it really unsettled my mother, because he doesn't do all the social niceties. He's just sitting there taking you in fully. I think it freaked her out quite a bit, actually, because she just opened the door to say tea's ready and he'd be. बंते जी जब भी लोगों से मिलते थे बहुत ही शांत रहा करते थे, और लोग जब कहीं पे भी जाते थे, कहीं पे भी बैठते तो केवल शांत बैठते थे और वे अपने संपर्क में ही रहा करते थे। और जब वो न्यूजीलैंड आए मेरे मम्मी से मिलने के लिए, तो वो मिलना बहुत ही रोचक था, और उनका भंते जी का मिलना बहुत ही रोचक था मेरे मम्मी के लिए। और धीरे 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 मेरे मम्मी जब उनके संपर्क में आई तो बहुत ही अर्थपूर्ण सवाल उनसे पूछने लगी। उनकी शांत मुद्रा देखकर शायद मेरी मम्मी काफी प्रभावित हो गई, और मैं आश्चर्य हो गया कि इतने जो और मैं बहुत ही आश्चर्य व्यक्त कर रहा था कि किस तरह से मम्मी जो है सवाल पूछ रही थी अर्थपूर्ण। और मेरे ध्यान में आया कि भंते जी में कुछ तो है कि जो मेरे मम्मी को प्रभावित किया और मम्मी को उस दिशा में लेके जाने के लिए प्रवृत्त किया कि वो इस तरह के जीवन को लेके गहराई में सवाल पूछे। तो ये भंते जी का अपना अस्तित्व मैंने अनुभव किया हूँ कि वे नए लोगों से कब जब भी मिलते थे वो नए लोगों को किस तरह से लोकोत्तर की और अंतर्मुख किया करते थे। तो कई बार भंते जी है रूम में अकेले ही कई कई घंटे इकट्ठा अकेले रहते थे। Somebody asked me quite recently, you know, koi mujhe pooch raha tha. And I went straight to not to the 16-year-old having that insight, but to the 8-year-old in bed alone with his imagination. That prepared the ground for the insights, you know, to take root. And you know, they came back to me, but you know, lots of kids maybe spend time in bed and they don't turn into him. No, I think he landed from somewhere else. Yeah. Because you know, when you think about it, even before that confinement, he'd gone through his father's life. He'd read a Pocket Johnson's dictionary. He'd read Hypatia by Charles Kingsley, which introduces him to Neoplatonism, Plato. I mean, 8 years old. I mean, I was still probably reading Beno or whatever the New Zealand equivalent was, you know. So I think Harmsworth's encyclopedia opened his world, and that capacity, which I think in your book you mentioned, for absorption and the imagination. He was never a sort of bookish pedant. He was bookish in a certain way, but everything had life, and he was always curious about
Yes, for him, because he'd read two or three books a week and until he lost his sight. भद्दे जी जो है दो हफ्ते में दो या तीन किताबें लिखा करते थे और उनकी जो कल्पना शक्ति है वो बहुत बड़ी थी। वो केवल किताबी कीड़े नहीं थे लेकिन उनकी कल्पना शक्ति भी बहुत ही सशक्त थी। Something I really deeply admired, to be able to put yourself in a such an open, receptive position, to be affected, you know, to have allow yourself to be affected. भद्दे जी के उस बात से मैं ज्यादा प्रभावित हुआ कि वो अपने आप को खुला करते थे और अपने आप को नए चीजों के लिए पूरी तरह से खुला रखते थे। तो विनिंग जो सूत्र है जो पढ़कर वे प्रभावित हुए थे भंते संगरक्षित जी। तो कई 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 साल पहले उन्होंने विनिंग सूत्र पढ़ा था और उसके प्रति वे काफी उसे उस प्रकार की क्षमता उनमें थी कि वो विनिंग सूत्र को पूरी तरह से समझ सके जैसा है वैसा। सालों के बाद जब वो अपना परीक्षण करते थे है तो भंते जी का जो मन है केवल इंग्लैंड से मर्यादित नहीं था, उनका जो मन था वो पूरी तरह से खुला था और ऐसा मन था कि जो हम तो भंते जी ने आपसे कभी वार्तालाप किया क्या कि उनका पुनर्जन्म के बारे में या पुनर्जन्म को लेकर? भंते जी ने कभी भी पुनर्जन्म को लेके मेरे से बात नहीं की, उनके पुनर्जन्म को लेके बात नहीं की। वो अपना अनुभव जब वो बांटते थे मेरे साथ तो वो इसी बात पे जोर देते कि किस प्रकार से हमने विमुक्त होना चाहिए और आध्यात्मिक जो अनुभव है वो सपनों के माध्यम से हम अनुभव कर सकते हैं। वो सपने देखा करते थे लेकिन सपनों के अर्थों में कभी भी वह आसक्त नहीं होते थे, सपनों को केवल सपनों के जैसे देखा करते थे। तो भंते जी जब आपसे बातचीत करते थे तो वो क्या बात करते थे आपके साथ, आपको क्या बताना चाहते थे? जब मैं उनके रूम में गया था और मैंने देखा कि भंते जी अपने टेबल पे लेटे हुए थे, टेबल पे उन्होंने अपना सर झुकाया था। जब वो लेटे थे तो वो सपनों में पूरी तरह से सम्मिलित हो गए थे और सपनों के बाद उन्होंने मेरे से वार्तालाप किया।
In a way, it seemed a bit crude to go, well, what do you think? Yeah, you sort of allow the experience to be, you know, what it is. What I remember from, I think it's you that told me about the dream, they were yellow-robed and red-robed monks. Yes. मुझे याद आ रहा है कि बंते जी के पीले कलर का वो चीवर था और लाल कलर का चीवर था. He said to me once, and he would often dream about his teachers. तो बंते जी कई बार अपने जो गुरु है उनके बारे में वे सोचा करते थे और उनके बारे में वो सपने देखा करते थे और सपनों में अपने गुरुओं से मिलते थे. He just presented that, and I've got my own interpretation of what that might mean, but we didn't talk about it particularly. But I think for Bhante, तो सपनों में भंते जी को जब सवाल पूछा गया कि योगाचारा में किसका रोचक अनुभव है, तो उन्होंने हाथ उठाए थे, कुछ मंक ने हाथ उठाया था, और योगाचारा का आचरण करना, योगाचारा का अनुभव करना उनके लिए काफी प्रेरणादायक था. बंते जी ज्यादा विश्वास रखा करते थे कि आचरण में ज्यादा विश्वास रखते थे और अनुभव लेने में विश्वास करते थे और लोगों के साथ बांटना उन्हें काफी अच्छा लगता था. बंते एक भिक्षु की तरह सपनों में अपने आप को देखना और भिक्षु करके हमने उन्होंने चीवर पहनना, ऐसा सपना देखना उनके लिए, वो बनते चीवर के साथ भिक्षुओं के साथ कैसे उनका संबंध, भिक्षु करके उनको कैसे लगता था. आपके विचार क्या है भंते जी के बारे में, और कि जब भंते भिक्षु थे और इतिहास में वो भिक्षु थे और साथ ही साथ उनके शिष्यों के साथ जो उनका संबंध था उसको लेकर आपको क्या लगता है. तो मैं काफी जागरूक था कि भंते जी साल पहले जब मैं आया, तो बंते जी का जो भी अनुभव था वो भूतकाल का था. तो बंते जी ने मेरे से जब वार्तालाप में कहा कि ये सारा भूतकाल में मेरा ऐसा था, लेकिन अभी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ और शायद भविष्य में अगले जीवन में भी मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा. तो टेरी के साथ जो उनका जो संबंध था, चाहे वो लैंगिक संबंध रहे या कोई भी संबंध रहे टेरी के साथ, तो उस समय में उनके साथ उस तरह का कृति हुई है और वह एक माध्यम था कि जिस माध्यम से वह अपने आप को वह अभिव्यक्त करना चाहते थे, जो कि बंते जी का व्यक्तित्व बहुत 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 बड़ा है. और मैं उनके संपर्क में आया
उन्हें उनको समझना बड़ा कठिन था मेरे लिए, और हमारा जो उनके साथ फ्रेंडशिप है बहुत ही गहरा था, और कल्याण मित्रता का मेरा अपना उनके साथ संबंध था। तो बंते हर बार फ्रेंडशिप को लेकर और संबंधों को लेकर बातें किया करते थे। तीस साल से मैं भंते जी के साथ रहा और मुझे उनसे बात अच्छी लगी। इस साल में मेरा अनुभव है कि भंता है, उनके साथ ज्यादा समय मैंने बिताओ कि वो कई 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 दफा वो कुशल ही आचरण किया करते थे। वो बहुत ही कम समय मैंने देखा ही नहीं उनको अकुशल आचरण करते हुए। वह कुशल आचरण ही किया करते थे, ये मेरा अनुभव है। मैंने उनको अकुशल आचरण करते हुए देखा नहीं है। अगर 30 साल का मेरा इतना अनुभव है बंते जी को लेके कुशल आचरण का, और वो देखकर मुझे मैं काफी प्रभावित हुआ। मैं 27 साल का था जब बंते जी से मिला। बंते जी जो है होमोसेक्सुअल थे, उनको पुरुष पसंद थे, लेकिन और जब वो भिक्षु थे तो उनमें बहुत बड़ी प्रेरणा थी। तो 1960 की जब हम बात करते हैं भूतकाल की, तो भंते जी के लिए बड़ा ही वह आह्वानात्मक समय था कि जिस समय जो प्रतिज्ञाबद्ध जीवन है वो सामाजिक जीवन से कैसे उसका मिलाप करे। उनके मृत्यु के पूर्व मैं उनसे मिला, ज्यादा मैंने उनसे कहा और मैं बहुत ही ज्यादा आनंदित महसूस करता हूँ कि भंते जी को लोगों के साथ वार्तालाप करें, कि वो जब युवा थे, बच्चे थे, जब वो भिक्षु थे और वह यंग युवा थे, एक पुरुष थे, इसके ऊपर मैं काफी सारा मैं वक्तव्य कर सकता हूँ कि एक बच्चे करके उनका जीवन कैसा था, एक भिक्षु करके उनका जीवन कैसा था, और एक पुरुष करके मैन करके उनका जीवन कैसा था।
तो मैं अभी ये वार्तालाप समाप्त करना चाहता हूँ कि एक सपने सो लेके मुझे एक सपना गिरा कि बहुत बड़ा मंडल मैंने देखा सपने में और बहुत बड़ा बुद्ध मंडल था और कोई तो व्यक्ति है कि मेरी ओर देख के इशारे कर रहा था और वो कुछ तो भी इशारा करके मुझे बता रहा था तो यूं कह सकते हैं कि संघ का एक बहुत बड़ा अनंत ऐसा मंडल था जाके जहां हम सपनों में एक दूसरों को इशारे कर रहे थे, एक दूसरों को हम लोग देख रहे थे और वो सपना मेरे लिए बहुत ही रोचक था। तो ये सपना बहुत ही प्रेरणादायी है। थैंक यू। तो ज्ञानधारा की ओर जाते हैं। थैंक यू ज्ञानधारा। अभी मैं उर्गेन हाउस में हूँ। Really wonderful. Thank you so much. I could have heard a lot more, but time marches on. And just to बहुत बहुत धन्यवाद नागबोधि। बहुत बहुत धन्यवाद परमार्था। नागबोधि की किताब मैंने पढ़ा हूँ बंते कभी भी एक मिनट भी वो अपना गवाते नहीं थे और नागबोधि जी ने भी जो किताब लिखी है उसका एक एक शब्द बहुत ही कीमती है। तो जो भंते नागपति जी की किताब आपको लिंक में मिलेगी। धन्यवाद धन्यवाद। Basically, an offering. It's a gift from a few of us. Myself as International Movement Coordinator, the Buddha Center Online, at Istana, and also Future Dharma Fund. मैं अंतर्राष्ट्रीय मूवमेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। तो पुंडरी का जो है फ्यूचर धर्म फंड के बारे में वो कुछ कहने वाली है। नागबोधि और पारमाता से सुनने के बाद मैं बहुत ही प्रेरणादायी है। सुबह की मेहता भावना अच्छी हुई है और अभी नागबोधि और पारमार्था का वार्तालाप भी बहुत अच्छा हुआ है। फ्यूचर धर्म फंड में आपका क्या जिम्मेदारी है? Alongside my friend and colleague Singha Shraddha. So तो मैं केयर टीम की सदस्य हूँ। We're the team who get in contact with you to help set up your donation, and we also pull together information for the rest of the Future Dharma team. So it's sort of under the bonnet, sort of behind the scenes stuff. But then the other half of my week is doing the same role for Te Ratnaloka Unlimited. Oh yeah. So tell us what's Te Ratnaloka Unlimited for people outside of this part of the world? So Te Ratnaloka is a magical retreat center in Wales that offers So Wales me Te Ratnaloka it's a yeah bahut hi magic center hai. It's far too small. और वहाँ महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाता है दीक्षा के लिए। तो त्रिरत्नलोका जो है बहुत ही छोटा छोटा सेंटर है
शिविर केंद्र है, लेकिन अभी वो जो है बड़ी जगह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए दान की जरूरत है। तो त्रिरत्न लोका के लिए दान मांगने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलता है? तो धम्म जो है सभी के लिए खुला रहे, जगत के लिए खुला रहे, यही प्रेरणा मुझे त्रिरत्न के लोक के लिए फ्यूचर धर्म फंड के लिए काम करने के लिए प्रेरित करता है। तो फ्यूचर धर्म के लिए मैं एक साल से काम करता हूँ और हर एक प्रकल्प को जो हम मदद करते हैं और वो प्रकल्प कैसे कैसे प्रकल्प कैसे विकसित होता है, उनकी जो प्रगति का आलेख देखकर मैं प्रभावित होती हूँ। और मुझे लगता है कि फ्यूचर धर्म फंड इतना महत्वपूर्ण है कि जिसके लिए हमने काम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा दान खड़ा करना चाहिए। धर्म की किताबें भी हमने ज्यादा से ज्यादा प्रकाशित करनी चाहिए। तो त्रिनिदाद कैरेबियन में आयरलैंड है। Which is a fantastic story. As Windhorse are also one of the larger projects that we. तो विंडोस प्रकाशन जो है पब्लिकेशन है, उनकी किताब के माध्यम से एक व्यक्ति प्रेरित हुआ है त्रिनिदाद में शहर में, जहाँ पे एक व्यक्ति प्रेरित होकर वहाँ वो त्रिरत्न में शामिल होने के लिए उन्होंने कोशिश की। Flick through it, and it opened up at Banti's poem on the Windhorse. And this really struck you because he only 2 days before he'd written a poem about a horse, excuse me, charging across the sky with sparks flying from its heels. So he thought, I've got to read this book. So he read this book, which was Buddhism for Today by Subhuti, published by Windhorse. And after reading it, he contacted Subhuti and asked for ordination. तो त्रिनिदाद का वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने बुद्धिज्म फॉर टुडे ये किताब पढ़ी जो सुबुति ने लिखी है, और वो किताब पढ़कर उन्हें काफी प्रेरणा मिली और उन्होंने सुबुति को कॉल किया और कहा कि मुझे धम्मचारी बनना है, मुझे दीक्षित होना है। तो आप देखेंगे कि हमारे कार्य का ऐसा जादू होता है। तो इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा फ्यूचर धर्म फंड के लिए दान देना चाहिए, जिसके माध्यम से हम नए नए लोगों तक पहुंच सके। और जितने ज्यादा बुक्स हमारे प्रकाशित होंगे तो वो जो बुक्स है नए नए लोगों को मिलते हैं। From books with other pass the books on, and as we've just heard, they can end up in some incredible places and inspire others. तो किताबें है एक नए नए जगह जा सकती है और वहाँ के लोगों को प्रेरित कर सकती है धम्म के लिए। I think there's all sorts of challenges around, you know, the physicalness of trying to get hold of paper and cost of paper. Yeah, and the production and also the competition for people's attention. You know, at the moment there's a lot on. तो पेपर की कीमतें बढ़ चुकी है और प्रिंटिंग करने का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ चुका है। तो किताबें छापना अभी इतना आसान नहीं है, बहुत महंगा हो चुका है। तो आप क्या आज मांगना चाहते हैं? तो मैं नंदवज्री के जैसे मैं दान जमा करने वाली नहीं हूँ, लेकिन मैं फ्यूचर डार्मा रेजिंग 1 मिलियन पाउंड्स फॉर डार्मा प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड ओवर 2 इयर्स। तो आने वाले 2 साल के लिए 10 लाख पाउंड खड़ा करने वाले।
So each of the 1,000 arms of Avalokiteshvara represents £1,000. And each of the 1,000 arms of Avalokiteshvara can be seen as one of us somewhere. अगर एक हाथ अगर 1,000 पाउंड देते हैं तो 1,000 लोगों के काफी डोनेशन खड़ा हो सकता है, तो हम कई लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो अगर इस प्रकार का दान देकर हम अवलोकिटेश्वर का हाथ बन सकते हैं। तो आधे साल में हम and we think we can do better than that today. So as Nandavajra hum aaj aur bhi zyada divide this up, so it would only need daan jama kar sakte to give £25, 28 euros. So 25 pound agar 200 log agar dete hai to zyada hame donation hum kara sakte. So by making a gift today in euros, dollars or pounds, you'll be helping to make the Dharma freely available to as many folk around the world as possible. And I think the link for how to do this is going to be shared with you in the chat. Wonderful. Chat mein donation kaise karna chahiye wahan pe aapko dikhega. Aap link par jaake daan de sakte hain. Dhanyawad, aapse baat karkar mujhe kafi acha laga. Yeah, so we're going to close off the session now. अभी हम लोग हमारा ये सत्र समाप्त करते हैं। आप लोगों को कोई सूचना देना है, आपको फीडबैक देना है इस इवेंट को लेके, तो कृपा करके आप एक लिंक भेजिए, उस लिंक में जाकर अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो भविष्य में हम यह उत्सव हम अच्छी तरह से मना सकते हैं। Will be in the Precious Teachers exhibition, and then we're going to hear a talk from Adistana from Sadananda. Mahamati se sunne wale, uske baad hum pravachan sunne wale hai. See you in a few minutes time. To kuch hi kshano mein hum milenge. If you click on it now, it'll be there. Agar aapko feedback dena hai, to aap link par jaiye chat box mein, aur wahan jaakar aap apna feedback de sakte hain, suchna de sakte hain. Okay, bye bye for now. To hum log तुरंत ही मिलते हैं। धन्यवाद। Thank you, Kishantikara. It's very difficult to give this talk actually after such an excellent. धन्यवाद शांतिकारा। ये प्रवचन देना यानी काफी कठिन है, क्योंकि कल हमने बहुत अच्छा प्रवचन सुना है। लेकिन मैं ऐसे यानी बहाना करूंगी कि जैसे कि वो प्रवचन हुआ ही नहीं है। जो भी आप ऑनलाइन है बहुत ही बढ़िया है, आप देखकर अच्छा लग रहा है। तो इस वीकेंड के सप्ताहांत के शिविर में हम क्या गुरु आवश्यक है, ये विषय हम दे रहे हैं। 1970 में संरक्षिता ने ये एक विषय लिया था, और उससे 2 साल पहले बस उन्होंने कुछ लोगों को दीक्षा दी थी, और बहुत ही शुरुआती के दिन थे वो। Just be careful what you ask for. I think it's the answer to that. Okay, I'm on it. Thank you. So he's asking this question at a very, very early stage of Tri Ratna. It's quite an edgy question for the founder. Tri Ratna ka jab bahut hi yani shuruaat thi tab wo prashna unhone pucha tha, aur ye bahut hi kathin aisa sawal hai. But he's also clarifying his own position. Aur wo sahi mein yani shayad spasht karna chahte the ki hame is andolan mein kiski avashyakta hai, aur shayad unki jo sthiti thi wo bhi wo spasht karna chahte the. Samaj mein kis cheez ki avashyakta hai? His willingness to kind of go back to principles and clarify what are we really trying to do, and in a way clarify for himself what am I really trying to give this order and this movement.
और वो शायद ये नहीं ये स्पष्ट भी करना चाहते थे कि इस आंदोलन की जिसकी आवश्यकता है वो मैं दे रहा हूँ और ये इस तरह के जो सवाल हैं वो खुद भी अपनी गरिमा के लिए वो पूछा करते थे अपने आप को तो जब यानी आप इस तरह की जिम्मेदारी में होते हैं तो आपने इस तरह के सवाल अपने आप को पूछना चाहिए तो उन्होंने भारत में काफी यानी सराव किया था अभ्यास किया था और उसके बाद ब्रिटेन में भी उन्होंने काफी हद तक सराव किया था और वो फिर से यानी इसी कि उनका अनेक लोगों के साथ जो संपर्क आया था इस संपर्क का क्या किस तरह का वो संपर्क था वो भी स्पष्ट करना चाहते थे शायद इस प्रश्न के द्वारा So I'd like to take Sangharakshita as an exemplar, actually, as an exemplar of. तो संरक्षिता को मैं यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर लेना चाहूंगी जो अपने आप को यानी वो इस प्रश्न के द्वारा देखना चाहते थे standing free of assumed values or assumed views, assumed assumptions. और जिस तरह से उन्होंने खुद को देखा था अंदाज लगाया था And we need to work out if this community, which you might already be part of, is based on the principles that you yourself relate to or resonate with. और शायद आप इस समाज का एक हिस्सा होंगे, लेकिन कौन से नैतिक मूल्यों पर यह समाज आधारित है, संघ आधारित है, ये जानना जरूरी है. कल भी हमने बहुत अच्छा एक प्रवचन इस विषय पर सुना है. I'm not going to be discussing very much of that here. इसी विषय के ऊपर और मैं उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ अभी. संते ने कुछ प्रवचनों की श्रृंखला दी है और उच्च क्रांति के बारे में उन्होंने कुछ प्रवचनों की श्रृंखला दी है और वो सभी विज्ञान के ऊपर आधारित थे और मूल्यांकन के ऊपर मूल्यमापन के ऊपर आधारित थे. And in the lecture he tells us two things that are necessary for growth. और वो उनके प्रवचन में ऐसा बताते हैं कि हमारे विकास के लिए दो चीजें महत्वपूर्ण हैं, आवश्यक है. तो एक है दुख के संपर्क में आना, गुरु के संपर्क में आना. तो ऐसा व्यक्ति कि जो हमसे ज्यादा अनुभवी है, ज्यादा उन्होंने अपना विकास किया है, हमसे ज्यादा कम से कम उन्होंने विकास किया, शायद उसके अलावा भी और कुछ चीजें हो सकती हैं या मूलभूत चीजें हो सकती हैं, लेकिन विशेषतः ये दो चीजें उन्होंने बताई हैं. तो पहले के बारे में मैं थोड़ा बताने वाली हूँ कि दुख के संपर्क में आना. का अर्थ ये नहीं है कि हमें इन्हीं समस्याओं के बीच में घिर जाना है, उसके आसपास ही मंडराते रहना है. लेकिन दुख एक ऐसी चीज है कि जो हमारे हिस्से में आता ही है और इससे हम छूट नहीं सकते हैं, लेकिन उस दुख को हम एक तरह से प्रेरणादायी अवस्था के रूप में या प्रेरणा के रूप में हम उसको ले सकते हैं. लेकिन उसको हम अपने एक व्यक्तिगत प्रेरणा के रूप में हम उसको ले सकते हैं और वो हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण यानी मुद्दा हो सकता है. तो भले ही ये हमारा एक व्यक्तिगत यानी क्षण होगा, लेकिन ये एक वैश्विक ऐसी बात है कि जो दुख के संपर्क में आना. कभी कभी हम देख सकते हैं कि इन सब चीजों का हमारे जीवन पर काफी सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है. My early years as a Buddhist, I went on several solitary retreats.
जब मैं नई नई बुद्ध बनी थी तो मैं कई एकांतवास करने के लिए गई थी, एकांतवास शिविरों में 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, और बहुत कम किसी के साथ मेरा संपर्क रहा था तब, और वो मेरे जीवन के सबसे सुखी और आनंदी ऐसे दिन भी थे, बहुत बोर ऐसे भी दिन थे मेरे, और बहुत महत्वपूर्ण ऐसे मेरे जीवन के वो क्षण भी थे. एक खास करके संवाद मेरे खुद के साथ में, यानी मैं कर रही थी कि जब मैं बहुत बोर हो रही थी तो मैं खुद को पूछ रही थी कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, ये ध्यान कर रही हूँ, एकांतवास कर रही हूँ, लेकिन क्यों कर रही हूँ, क्यों मैं ध्यान कर रही हूँ, क्यों ये सब बातें कर रही हूँ. आप सभी को लगता होगा शायद ऐसा, ऐसा है ना, तो मैं सभी को पूछ रही हूँ आपको. तो कभी कभी ऐसा होता है मेरा ध्यान भी बोर होता है, मुझे नहीं अच्छा लगता, और फिर मैं पूछ रही थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ ये ध्यान, और एक उत्तर मिला मुझे इसका. तो जिन लोगों को मैं मिली वो भी काफी रुचि से करते हैं, और बहुत सारे लोग उसमें शामिल थे. मैं कुछ बनने का प्रयास कर रही थी, और उसके लिए जो ध्यान करना है वो उसकी एक चाबी है. डस्टबिन कहाँ है, उनको मुझे लाना है अंदर. और फिर मेरे दिमाग में ये विचार आया, तो ऐसा मेरे मन में ख्याल आया कि यही एक ऐसी चीज है कि जो मेरे जीवन को अर्थ देती है, तो मुझे गहराई से लेकर जाती है, परिपूर्ण बनाती है. और मैंने खुद को अपने पहली बार देखा, और यही एक ऐसी चीज है कि जो मुझे सुबह उठाती है. मुझे पता नहीं है उसके अलावा, यानी सुबह उठने का और कोई कारण है क्या. तो मेरा जो जीवन है उसका कुछ अर्थ होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए. इसके अलावा मेरा जो जीवन है निरर्थक है, और मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे पास वो कारण है तो मैं सुबह उठ पाऊंगी जल्दी. ये बहुत ही रोचक ऐसी चीज है कि मैं एक आर्ट स्कूल में गई थी, और उन जब सुबह सुबह वो लोग सब उठते थे तो सबको पता था कि वो सुबह क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं. तो वो जो उत्तर था या उसका कोई बहुत अच्छा है नहीं, ऐसा उत्तर था ऐसा नहीं था. कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ये निरर्थक उत्तर है. लेकिन ये उस समय का मेरा ऐसा उत्तर था जो मेरे अंदर से आया था. वहां पर ऐसा कोई भी नहीं था कि जो मुझे वो बताने वाला था, लेकिन ये सिर्फ मेरे अंदर से आने वाला ऐसा जवाब था. मेरे खुद की आवाज थी वो, वहां पर किसी भी तरह से मैं बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं थी. I'm noticing moments of kindness or honesty and how that stimulated a faith response in me. A moment where I think yes. और मैं तभी से यानी करुणा देख रही हूँ, तो प्रामाणिकता है वो मैं देख रही हूँ. Maybe the own truth and you know instinctively yes. Heart response, that is good. और जब हम देखते हैं कि कोई बहुत ईमानदारी के साथ में बात कर रहा है तो हम अच्छी तरह उसको प्रतिसाद देते हैं, और हमें लगता है हाँ यस ये सही है. और यह है मेरे जीवन का अर्थ है. फिर मैंने देखा कि बहुत सारे यानी ऐसा मेरे जो विचार हैं खेदवाद से संबंधित मेरे विचार थे, और उसके विरोध में मैं अपने आप को बहुत बार खींचती हूँ. मेरी दादी की मृत्यु हुई,
जो बहुत ऐसी यानी दुखदाई ऐसी मृत्यु नहीं थी, क्योंकि बुरा दिन था, वो 99 साल की थी, उनका वो पूरे दिन के दिन उनकी मृत्यु हो गई और मैं काफी खुली थी उसके बारे में और मेरी तभी दीक्षा भी हुई थी. और एक चित्र मेरे मन में उस समय उभरा. मैं एक बहुत अंधेरे कमरे में थी जहां पर कोई भी कमरे कोई दरवाजे नहीं है, कोई भी बाहर जाने का रास्ता नहीं है, कोई भी खिड़कियां नहीं है. और मैंने लोगों के साथ में बात की इसके बारे में. और फिर लोगों ने बताया मुझे कि जो तुम्हारी दादी है वो गुजर गई है, उसका शायद तुम शोक मना रही हो. और ये शोक रूपी ये कमरा है, लेकिन मुझे पता था कि ये वो नहीं है, मैं शोक में नहीं थे. That's what that room is. तो लेकिन मुझे समझ में आया कि ये ऐसा जीवन है जो बिना श्रद्धा के है. और इसलिए मुझे मेरे लिए खुद के लिए उस दरवाजे के लिए कमरे खोलने दरवाजे खोलने पड़ेंगे, कमरे के दरवाजे औरों के लिए भी खोलने पड़ेंगे. और यही मेरे जीवन का अर्थ मुझे लगा कि जो उच्छेदवाद का जो कक्ष था उसके मुझे दरवाजा खोलना है, श्रद्धा के रूपी दरवाजा. Sangharajita says, meaning is not a thing that you can grasp by looking in a dictionary. Sangharajita कहते हैं कि अर्थ यानी ऐसा नहीं होता है कि जिसको आप पकड़ सकते हो या फिर आप एक शब्दकोश में ढूंढ सकते हो, लेकिन जो अर्थ है वो अर्थ होता है. वो एक हमारे खुद के लिए एक अनुभव होता है, हमारे खुद के लिए एक सवाल होता है या हमारे खुद का एक परिपूर्णता होती है वो. Good, thank you. So how are we to strengthen that motivation, yeah, which is just starts as a seed sometimes. अरे जो वो प्रेरणा है उसको हम किस तरह से और मजबूत बना सकते हैं? तो जो भी बाधाएं हैं उनको आप अवॉइड कीजिए, की तरफ दुर्लक्ष कीजिए. अगर आप बाधाओं को दूर नहीं करेंगे तो आप कभी भी अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएंगे और अपना जो जीवन है उसका अर्थ नहीं ढूंढ पाएंगे. तो ये पहली बात है जो आपको करनी है. Really? तो कभी कभी यानी हम इस तरह का हमारे मन में डर होता है कि कहीं हम छूट ना जाएं लोगों के बीच में से. तो अपने आप से ये सच्चा सवाल पूछिए कि आपके मन में भी वो डर है क्या? इस सही में यानी जिस पार्टी में जाना है, जिस फिल्म में जाना है, क्या सही में वो मेरे लिए रुचिपूर्ण है? क्या सही में मैं जाना चाहती हूँ या सिर्फ कहीं मैं छूट ना जाऊं पीछे इसलिए मैं जा रही हूँ? But in order to say yes to something, you need to also say no to something else. Then work out your choices. तो जब हम किसी चीज के लिए हाँ कहते हैं, तो हमें हाँ कहने के लिए किसी और चीज को ना कहना पड़ता है. Saying no because you're. तो एक तरह से अगर हम त्याग करते हैं, तो निश्चित ही हमें यानी किसी चीज को ना कहना पड़ेगा किसी को सही में हाँ कहने के लिए. Boring. तो इस तरह का जीवन शैली की जहाँ पर यानी जो बोरिंग चीज है लेकिन ध्यान हमें करना होता है, स्टडी करना, धम्म अभ्यास करना जो बहुत ही रोचक ऐसी चीज है, निश्चित नियमित रूप से शिविरों में जाना शायद रोचक हो सकता है, एकांतवास करना बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बोरिंग भी है और आनंददायी भी है. और अपने जो हमारे मित्र हैं, खास करके आध्यात्मिक मित्र हैं, उनके साथ में नियमित संपर्क बनाए रखना. तो हमारा जो
सही जो हमारी रुचि है, जो सच्ची रुचि है वो हमें याद दिलाते हैं. To ordinary day-to-day movement, moments, and begin to understand what is really important to you. हर रोज के हमारे जीवन में हमारा हमारी जो श्रद्धा है या जो हमारा रुचि है वो देखना. तो शांतिकारा जब मेरा परिचय करके दे रहे थे तो मैं ऐसी व्यक्ति हूँ जो डस्टबिन इधर से उधर करती हूँ. तो एक बार मैं किसी और शिविर केंद्र में थी तो किसी ने मेरा फोटो लिया था जब मैं साफ सफाई कर रही थी. मुझे समझ में नहीं आया वो ऐसा क्यों कर रहे, लेकिन वो करने का प्रयास कर रहे थे कि हमारा जो धम्म जीवन है वो एक ऐसे व्यक्ति यानी है कि जो जिम्मेदारी में है, जो गुरु है, लेकिन उनका जीवन इन सब बातों के साथ साथ जो जिम्मेदारी लेना है या काम करना है वो भी उनका जीवन है. Recognize your response of faith to daily moments and then cherish that moment. तो हमारा जो हमारी जो श्रद्धा है उसको हम किस तरह से प्रतिसाद देते हैं हर रोज के जीवन में. हमारी जो प्रेरणा है उसको हमें मजबूत बनाना है, उसे निश्चित ही बड़ा बनाना है और इसको मजबूत बनाते रहना है हमें. Asking a friend what I should do with my experiences after the death of my father, and I'd nursed him through his last stages. मैंने मेरी सहेली को पूछा मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, और उन्होंने बोला उसके ऊपर चिंतन कीजिए. It was helpful. Yeah, I said to her, my friend. और ये मददपूर्ण था. What should I do with this experience? And she said, Rachel, just capitalize on it. And I knew immediately. जब मैंने उनको पूछा कि मैं इस अनुभव को क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि आप उसके ऊपर चिंतन कीजिए, ध्यान कीजिए. Money, you got to invest in something. And this was an experience that needed investing. Capitalize जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी उसके उसमें आप एक तरह से अपना जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपने विचारों को निवेश कर रहे हैं. आपकी जो ऊर्जा है वो इन क्षणों में आप निवेश कीजिए. जब आप किसी चीज को स्पर्श करते हो ऐसे क्षणों को, तो उसमें आपका उत्तर मिलता है. And then the other point that Sangharakshita raises in the lecture is this second thing, the second necessity for growth. और दूसरी चीज जो संरक्षिता ने अपने प्रवचन में बताई है, हमें अपने गुरुओं के संपर्क में रहना, एक ऐसे व्यक्ति कि जो ज्यादा अनुभवी हैं, विकसित हैं, जिन्होंने अपना अच्छा उत्क्रांति की है. तो हम सभी को गुरु की आवश्यकता है. एक पत्रिका मैंने, ज्योतिरत्न की पत्रिका थी वो, कुछ साल पहले मैंने पढ़ी, और उन्होंने ब्रह्मचर्य के बारे में लिखा था. और एक भिक्षुणी वहां पर कह रही थी कि कौन सी ऐसी चीज है जो ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए उन्हें मदद करती है. तो ऐसी चीजें जो उनको मदद करती है वो है गुरु योगा, जो उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मदद करती है. जो उनकी परंपरा से आई थी, जो गुरु योगा है जिसका वो सराव करती थी, तो उनकी परंपरा में वो एक धम्म गुरु थी और एक शिष्य भी थी. And I realized this was completely different from my experience in Tri Ratna, where my emotional. और मैंने देखा कि हमारे संघ में भी, त्रित्व संघ में भी इसी तरह का अनुभव हम लेते हैं. तो सही मायने में हम हमारे जो समानांतर जो मित्र हैं, सहेलियां हैं, और जो हमसे ऊर्ध्वगामी जो हैं, हमसे अनुभवी हैं, उनके साथ में कल्याण मित्रता. तो ऐसे ही हमारे नजदीक के और कल्याण मित्र जो हैं, उनके साथ में संपर्क बनाए रखना. और कल्याण मित्र वो जिनके नैतिक मूल्य हमसे कहीं ज्यादा हैं,
उनसे ज्यादा जिन्होंने अपना विकास किया है अनुभवी है. In Sri Ratna is so different from many other Buddhist movements. For many of us, तो मुझे नहीं लगता है कि हम उतने नहीं हम उसके बारे में जागरूक है कि हमारे संघ में जो कुछ मूल्य बताए गए हैं वो और बाकी लोगों से बाकी बौद्ध लोगों से अलग है. तो यहाँ पर काफी मजबूत ऐसा यानी व्यक्तिगत ऐसे मूल्य हैं, सराव है, आचरण है जो हमें करना है और उसमें संपर्क करना वो एक महत्वपूर्ण भाग है उस आचरण का. तो गुरुओं को मिलना इसके बारे में क्या लगता है? तो दो तरह से हम गुरु को देख सकते हैं. तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि जो लोकोत्तर ऐसे गुरु हैं, या दूसरे तरह से हम देख सकते हैं कि जो हम जिनको हम आदर्श मान सकते हैं. तो जो लोकोत्तर ऐसे हैं, जो एक जो कुछ ऐसे यानी लोग हैं, मनुष्य मात्र हैं, जो वास्तविकता का जो सर्वोच्च या फिर अच्छा जो सर्वोच्च उदाहरण है वो जीते हैं, जैसे दलाई लामा हैं. भारत में अगर हम देखते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर भी इसी तरह के व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने बहुत उच्च नैतिक मूल्यों को अपने जीवन में उतारा है. या फिर एक मानवीय हम गुरुओं को देख सकते हैं जो दूसरा भाग है गुरु का, ऐसे मानवीय गुरु कि जिन्होंने अपने जीवन में अपने मूल्यों को उतारा है, या जो हमारी साधारण मित्रता है उसमें भी हम देख सकते हैं ऐसे यानी हमारे मित्रों के अंदर ऐसे गुण हैं कि जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, जिनकी हम तारीफ करते हैं. और त्रिरत्न संघ में हम खास करके जो दूसरे प्रकार का जो गुरु है उसके ऊपर हम बल देते हैं, जोर देते हैं, एक मनुष्य मात्र के रूप में जिस मनुष्य को हम गुरु मानते हैं लेकिन उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श माना है, आदर्श बनाने का प्रयास किया है और उनको हम कल्याण मित्र के रूप में देखते हैं जो हमें हमारा कल्याण करने के लिए मदद करता है. कल्याण यानी बहुत सुंदर ऐसा शब्द है जो सुंदर है, जो पवित्र है, शुभ शुभ है, नैतिक रूप से अच्छा है, आध्यात्मिक है और जो हमारे उच्च नैतिक जो मूल्य हैं उनको दिखाता है. और जो मित्र है, मित्र का मतलब है मित्र, ऐसा मित्र जो हमें सुंदरता की तरफ लेकर जाता है. तो कल्याण मित्र अगर हम देखते हैं तो आदर्शों का एक ऐसा उदाहरण जो इस मार्ग का खुद एक उदाहरण है और ऐसे एक व्यक्ति की जिनके प्रति आपके मन में एक प्रेम की भावना है, साथ ही आप ग्रहणशील हैं उनके बारे में, जिनका आप आदर करते हैं. लेकिन अगर हम वहाँ पर ध्रुवीकरण होता है, हम उनके विरोध में रहते हैं तो वहाँ पर एक योग्य जो संपर्क है वहाँ पर स्थापित नहीं हो सकता है. ये जो कल्याण की भावना है वो होना बहुत जरूरी है. What's more important is that there's genuine communication. So is there somebody in your life where there is genuine communication? तो आपके जीवन में ऐसे कोई लोग हैं क्या जिनके साथ में आपका ऐसा जो योग्य ऐसा संपर्क है? संरक्षिता ऐसा कहते हैं हमें. What a lot of hard work is necessary. Even to bring about a small change, old habits die hard. तो संरक्षिता ऐसा कहते हैं कि इन्हें एक छोटा सा हमारे अंदर बदल करने के लिए भी बहुत कठिन ऐसे प्रयत्नों की आवश्यकता होती है. Contact and communication to have someone really working with them. Otherwise, they won't change very quickly, or not as quickly as they could.
तो उसके लिए हमें मित्रों की आवश्यकता होती है, अन्यथा हम कितना जल्दी हमें बदलना चाहिए वो बदल नहीं हो सकता है मित्रों के बिना. So the beginning of our spiritual life, say the first 10 or 15 years, I just offer that, okay? That is the beginning. कम से कम शुरुआती दिनों में, और शुरुआती दिन यानी मैं ऐसा कहूंगी 10-15 साल हमें निश्चित ही उनकी मदद की आवश्यकता होती है. Some of the significant moments of communication that happened to me in the decade leading up to my ordination. मुझे याद है कि जब मेरी दीक्षा हुई थी उन दशक में जो मेरे कुछ महत्वपूर्ण संपर्क हुए थे वो मैं अभी भी भूली नहीं हूँ. और जो मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो उन्हीं कम्युनिकेशन या उन्हीं संपर्कों का मैं एक परिणाम हूँ जो मैं आपके सामने यहाँ पर खड़ी हूँ. So in Sri Ratna, और उन्हीं के द्वारा मैं ये बनी हूँ जो मैं आपके सामने खड़ी हूँ. श्री रत्न में हमें गुरु के रूप में कल्याण मित्र मिलते हैं और जो हम योग्य संपर्क हमारे साथ स्थापित करते हैं. As a context for mutual modification of being. I don't know how you feel about being modified. संघ को हम देखते हैं तो एक सुधारित ऐसे मनुष्यों के रूप में हम देखते हैं. पता नहीं है मुझे कि आप कैसा महसूस करते हैं कि एक सुधारित एक व्यक्ति के रूप में खुद को. संरक्षिता कहते हैं कि जिन लोगों के साथ में हम रहते हैं, समय बिताते हैं, हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं. और निश्चित ही अगर हमें आध्यात्मिक जीवन में अपना विकास करना है तो सीखना महत्वपूर्ण है और जो ज्ञान है वो हमें लेना है. और हमारे व्यक्तिगत संपर्क और संघ को शरण गमन करते समय हमें इन बदलों का मार्ग हमें मिलता है उनके द्वारा. जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं और जो सही कम्युनिकेशन है या सही संपर्क है उसमें हमें आवाहन मिलते हैं और हम एक दूसरे को जान पाते हैं. और संघ में ये जो सही संपर्क है इसका संदर्भ दिया गया समर्पण जो विधि है उसमें एक बहुत सुंदर ऐसी लाइन बताई गई है, पंक्ति है कि हमारा आपसी संपर्क संघ बने. और मैं हमेशा उस पंक्ति का मैं पसंद करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है कि हमारा जो आपसी संबंध है, हमारा जो संपर्क है वो संघ बने. The way that you authentically share yourself is how you become part of the Sangha. जितना ज्यादा परिपूर्णता से हम एक अपने दोस्तों के साथ खुद को रख पाते हैं, बता पाते हैं, उतना हमें आगे जाने के लिए मदद मिलती है. And each one of us has a responsibility to help that happen. और हमें सभी को उस संपर्क से मदद मिलती है आगे जाने के लिए, विकास करने के लिए, शरण गमन करने के लिए. और एक तरह से हम अपने अंदर बदल कर सकते हैं. इस क्षण में हम देख सकते हैं कि संघ हमारा गुरु बनता है जो सुधारित मनुष्य के रूप में हम उस संघ के सदस्य बनते हैं. और जो ज्ञान हमें चाहिए वो है हमारा स्व ज्ञान. हम अपने आप को अच्छी तरह से पहचानते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को मिलते हैं तो हम उनके नजरों से हम अपने आप को और ज्यादा अच्छी तरह से देख पाते हैं और आवाहन हम ग्रहण करते हैं. लेकिन ये बहुत आसान मार्ग नहीं है. लेकिन कुछ चीजें हैं कि जो प्रवेश करने से हमें रोकते हैं कि जब हम दूसरों को ग्रहणशील रहते हैं और उनके ग्रहणशील रहते हुए हम अपने आप को जाते हैं. तो खास करके दो बातें मैं बताना चाहती हूँ जो बड़े दो भाग हैं. तो पहला है अज्ञान और दूसरा है हमारे खुद के जो दृष्टिकोण है.
तो इग्नोरेंस या अज्ञान कि जो हमारी आसक्ति है या हमारा जो अहंकार है वो हम सभी पहचानते हैं, उसे हम सभी जानते हैं। तो अगर हमारे अंदर अज्ञान है तो हमारा विकास करने से हमें रोकता है और वो हमें ग्रहण करने से रोकता है, ग्रहणशील बनने से हमें रोकता है। वहां पर हम यानी सीखना छोड़ देते हैं, सीखना बंद कर देते हैं और बहुत ही जटिल ऐसी भावना है ये। तो वहां पर जब हम संपर्क करते हैं, संपर्क में भी जटिलताएं आती हैं और उसको सुधार करना उसमें कठिन है। और फिर जब हम संपर्क करते हैं उसके द्वारा हमें अपने अंदर बदल करना मुश्किल लगता है। हम कहते हैं कि हमें बदलना है, हमें आगे जाना है, लेकिन हम वैसा करते नहीं हैं, हम सुनते नहीं हैं। और इस तरह से काफी खींचातानी होती है उसमें, हमारे संपर्क में। तो इंग्लिश में अगर हम देखें तो इग्नोरेंस का अर्थ होता है इग्नोर करना या दुर्लक्ष करना, ध्यान न देना। तो यानी जानबूझकर हम जो भी हमारे पास जानकारी आ रही है उसके उप तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, दुर्लक्ष करते हैं। तो हमें खुला होना है, बंद नहीं करना है। तो अगर हम खुद को बंद कर लेते हैं तो अज्ञानता और ज्यादा बढ़ती रहती है। दूसरा हम देखते हैं कि हमारा जो खुद के दृष्टिकोण है और जो गलत दृष्टिकोण होते हैं, तो सभी दृष्टिकोणों को देखते हैं। तो एक तरह से हम अपने बारे में खुद के ऐसे दृष्टिकोण बना लेते हैं जिनको हमें यानी जिनको हम संभाल कर रखना चाहते हैं, अपने खुद के विचारों को, दृष्टिकोणों को। It's not just the content of our thinking. बहुत महत्वपूर्ण ऐसी एक लाइन संरक्षिता बताते हैं। That is the problem. In other words, it's not the content as in what we're actually the content of what we're actually thinking. It's more like where we're thinking from. यानी जो हम सोच रहे हैं वो प्रॉब्लम नहीं है, तो हम कहाँ सोच रहे हैं, किस बारे में सोच रहे हैं, ये ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ऐसा यानी दृष्टिकोण जो हम खुद के बारे में रखते हैं और जिसको आपको संभालना है और वो एक बड़ा आवाहन है आपके लिए। और हमारे जो दृष्टिकोण है अक्सर हम उनको संभालते हैं, उनका संरक्षण करते हैं। तो इनको संभालने के लिए हम दो कारण देते हैं खास करके, नैतिक और जो सामाजिक जो प्रभाव है वो हम बताते हैं। तो हमारे अनुभवों में काफी रूप हद तक वो प्रभावित रहते हैं। तो जो भी कुछ होता है उन्हीं जालियों के द्वारा होता है या उन प्रभावों से प्रभावित होता है। अगर हमारे मन में ऐसा यानी एक व्यू है, दृष्टिकोण है कि हम बहुत प्यार करने योग्य व्यक्ति हैं, तो हम यानी इस विश्व में नहीं रहते हैं, तो हम उस विश्व में रहते हैं जो हमने खुद के लिए निर्माण किया है। Is the electric charge of communication. So people ask me, why have you called this the electric charge of communication? And I said, I have a publicity officer. So इस प्रवचन का जो विषय है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, कम्युनिकेशन के बीच इलेक्ट्रिक चार्ज या विद्युत झटका हमारे संपर्क में। That does ring a bell. तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि ये इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों आपने विषय दिया है। तो यहाँ पर मैं हमारा जो संपर्क है उसमें जो विद्युत झटका लगता है वो उसके बारे में मैं बोलती हूँ, बताने वाली हूँ।
So communication is a key term in Sangharakshita's presentation of the Sangha and of friendship. जब संरक्षिता संघ के बारे में बताते हैं या संपर्क के बारे में बताते हैं, मित्रता के बारे में बताते हैं, तो उसमें जो हमारी मित्रता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज का काम करती है या विद्युत झटके का, विद्युत प्रवाह का काम करती है. तो यही वो पंक्ति है. तो गुरु और शिष्य के बीच का जो संपर्क है वो महत्वपूर्ण होना चाहिए, वहाँ वास्तविक संपर्क होना चाहिए उनके बीच में. तो वो सिर्फ वहाँ पर अपने विचार और अपनी भावनाएं सिर्फ वहाँ पर शेयर करना नहीं है, साझा करना नहीं है. Need to be themselves as fully as possible in relation to each other. तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में पूरी तरह से उन्होंने बताना चाहिए. गुरु का मतलब यानी ये नहीं होता है कि वो अपने शिष्य को सिखाएगा, लेकिन सिर्फ उस भूमिका में रहना या फिर शिष्य के रूप में आपका काम सिर्फ सीखना नहीं है, लेकिन आप उस भूमिका में पूरी तरह से रहना है. पूरी तरह से आप उस संबंध के बीच में रहिए जो आपका संपर्क है, आपकी जो भूमिका है अपने गुरु और शिष्य के प्रति. गुरु का काम सिर्फ सिखाना नहीं है तो गुरु के रूप में रहना है, और शिष्य का काम सिर्फ सीखना नहीं है तो सिर्फ हमें खुला करना है हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ में और परिपूर्णता के साथ में उस संपर्क को निभाना है. और इस तरह से जो हमारा संपर्क होगा वो सही संपर्क होगा, वास्तविक संपर्क होगा. और ऐसा संपर्क हमें विकास की तरफ लेकर जाएगा. और यहाँ पर जो विद्युत प्रवाह है वो प्रवाहित होता है इस संपर्क में, जब हमारा संपर्क वास्तविक संपर्क होता है. मैं दो धम्मचारिणियों को याद कर सकती हूँ विशेषता, जो कम्युनिकेशन या संपर्क को प्रेजेंट करने के लिए, और दोनों ही महत्वपूर्ण है, और दोनों ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं वो दोनों ही धम्मचारिणियां. तो मैंने डिक्शनरी में देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या होता है या बिजली का, विद्युत का क्या मतलब होता है. तो इस तरह की एक जो ऊर्जा है जो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रवाहित होती है, और जो तूफानों के समय भी चमकती है और जनरेटर में भी चमकती है, जो प्रवाहित होती है, वैसे ही हम इस आंदोलन में भी देख सकते हैं. तो जब हमारा संपर्क होता है तो वहां पर भी इसी तरह का हमारा संपर्क होता है जैसे कि विद्युत प्रवाह. अगर हम नकारात्मक और सकारात्मक दोनों भाग उसके देखते हैं विद्युत के, तो हमारे संपर्क में भी वैसा होता है. दोनों जो शरीर है दोनों ही डायरेक्ट यानी विद्युत प्रवाह निर्माण करने वाली हैं, जो देती भी हैं और ग्रहण भी करती हैं संपर्क को. संपर्क जो है वो हमारी चाहत है कि जो हमारे पास है वो दिखाना, देना, उसको प्रदर्शित करना, और वैसे ही हमें ग्रहण भी करना. And interestingly, Sangharakshita says there should be real communication, communication of being, or if you like, action and interaction of being. It's quite a similar line, isn't it? तो इसी तरह से संरक्षिता ऐसे कहते हैं कि हम दो लोगों के बीच का जो संवाद है वो भी विद्युत प्रवाह की तरह ही है. Naturally, like in a flash of lightning or in static. जो जिस तरह से लाइट चमकती है, बिजली चमकती है तूफान के समय,
तो वैसे ही जब हमारा संपर्क होता है वैसे ही विद्युत प्रवाह की तरह हमारा जो संपर्क है वो भी चमकता है. इसी तरह से वो जिस तरह से नहीं बिजली चमकती है वैसे ही हमारे संपर्क में हमारा जो प्रवाह है विद्युत प्रवाह वो भी ऐसे ही चमकता है. और शायद यानी वो सिर्फ एक चाय की छुट्टी में हम जिस किसी के साथ में बात कर रहे हैं उस समय भी हो सकता है. और हम दोनों ही जो लोग वो बात कर रहे हैं तो एक तरह से हम वो विद्युत प्रवाह निर्माण करने वाले लोग हो सकते हैं. अभी कुछ ही दिन पहले मैं जब यहाँ से ट्रेन में मैं लंदन जा रही थी और कुछ हुआ वहाँ पर और एक जो महिला थी ट्रेन में उसके साथ में हम बात कर रहे थे और फिर हम अलग अलग बैठे और हम जब हम ह्यूस्टन में उतरे लंदन में कुछ हुआ था वो ट्रेन में उसने मुझे पूछा कि उसके बाद आप ठीक है क्या. मैं पूछा कि आप लंदन में रहते हैं. In a Buddhist retreat center. और फिर मैंने एक यानी रिस्क लिया और उनको बताया कि मैं बुद्धिस्ट सेंटर में रहते हो. उसने पूछा कि आप तारालोका में रहते हो क्या. तो मैंने बोला नहीं लेकिन मैंने उनको बताया कि मैं वहाँ 20 साल तक रही हूँ लेकिन अभी नहीं रहते हो. मैंने बोला कि अब कहाँ रहती हो तुम. मैंने बोला अधिष्ठाना में रहती हूँ. और उसने बताया कि 2 हफ्तों में मेरी माँ वहाँ जाने वाली है अधिष्ठाना में. मुझे पता नहीं है कि कौन थी वो महिला लेकिन वो बता रही थी कि बर्मिंगम सेंटर में उनकी माता भी आती हैं और जो भी कोई वहाँ पर होंगे उनको हेलो. वो एक ऐसा क्षण था कि जो हम हमेशा यानी संपर्क करते थे या कर सकते हैं किसी अजनबी के साथ उससे कहीं ज्यादा था. और वो संपर्क बहुत ही स्वाभाविक था नैसर्गिक था जिस तरह से बिजली चमकती है किसी तूफान के समय. जब मैं आर्ट स्कूल में पढ़ती थी मेरे दूसरे यानी आर्ट स्कूल में जब मैं पढ़ रही थी लंदन में और मैं बहुत ही मूलभूत ऐसी जो कला है वो मैं सीख रही थी और जो हमारे गुरु थे वो हमें फीडबैक देते थे हमें बताते थे कि आप क्या कर रहे हो. तो एक जो शिक्षक थे उन्होंने बताया था कि रेचल बहुत अच्छा काम किया है तुमने. लेकिन दूसरे ने बोला हाँ ठीक है. लेकिन जो दूसरे गुरु थे वो आए उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि आपने ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए था कि अच्छा यानी आपने चित्रकला की है क्योंकि इससे कहीं अच्छी कला आप कर सकते हो. तो बहुत अच्छा यानी फीडबैक था या टिप्पणी थी मेरे बारे में. तो ये हमारे जीवन के लिए एक पाठ भी है कि हम एक तरह से यानी जो सृजकता है उसको हम कम आंकते हैं. तो फिर मैंने काफी यानी अपने अंदर बदलाव किया और मैंने इस तरह का काम किया कि लोग कह पाए कि मैं आशा करती काश मैं भी वो काम कर पाती. Communication can be developed or generated in context which is there to generate communication. तो संपर्क एक ऐसा माध्यम है कि जिसमें हम विद्युत प्रवाह प्रवाहित कर सकते हैं जहां पर हम स्पष्टता ले सकते हैं जहां हमारा जो उद्देश्य है वो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं जो हेतु हमारा है वो साझा करते हैं और उसको हम संभालते हैं. A sangha which holds a vision for real communication and in-depth friendship. संघ एक ऐसी जगह है कि जहां पर हम दृष्टि शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ जहां पर हमारे संपर्क में हम
जो विद्युत जो प्रवाह है वो हम महसूस करते हैं, और जो भी चीजें होती हैं उसके लिए हम जिम्मेदार होते हैं, और हमें उस जिम्मेदारी को लेना होता है इस संघ के रूप में, और इस संघ को निर्माण करने के लिए, इस संघ में जो मित्रता है उसको निर्माण करने के लिए हमें जिम्मेदारी लेनी है, हमारे खुद के लिए और सभी के लिए। और ये जो संपर्क है ये महत्वपूर्ण होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए, अर्थपूर्ण होना चाहिए, और हमारे इस संपर्क का एक अच्छा स्वभाव होना चाहिए। और ये सही में हमारे लिए एक आह्वान है, और जब तक हमारी मृत्यु होगी तब तक हमारे लिए एक आह्वान बना रहेगा। तो इसी सप्ताह में नागबोधी ने जो एक मुलाकात दी है उसमें उन्होंने कहा था, तो वो 24 घंटे दार्दो रिम्पोचे के साथ में थे, उन्होंने बताया बहुत ही सिंपल सादे ऐसे सरल व्यक्ति थे। वो कहते हैं दार्दो रिम्पोचे से मिलना यानी मुझे खुद को देखने के लिए मदद हुई कि मैं किस तरह से खुद का अपना जीवन जी रहा था और मुझे कैसे बदलने की जरूरत है। और ये सही में अर्थपूर्ण कम्युनिकेशन है। और जब मैं बहुत ऐसे युवा आचरण करने वाली एक नई धम्मचारिणी थी की बात है, तो तारा लोका के जो मैदान थे मैं वहां पर चल रही थी, एक धम्मचारी को मैं टकराई वहां पर, और मैं उस धम्मचारिणी को नहीं जानती थी। मेरे साथ में से गुजर गई और उन्होंने मेरी तरफ से देखा, उन्होंने कहा और गहरी और धीरे से जरा आराम से, और निश्चित ही अभी हम दोनों ही अलग हैं। उन्होंने कहा पर्याप्त है, गहरे हो और धीरे चलो। और फिर दूसरी बार वो मुझे जब एक बार टकराई तो उन्होंने बोला कि अंदर से बाहर तक पर्याप्त हो लेकिन धीरे चलो। मुझे पता नहीं है उसका क्या अर्थ था। लेकिन एक पूजा में फिर से हम जब अर्पण करने के लिए लाइन में खड़े होते हैं, और मैं लाइन में खड़ी थी और वो फिर से वहां पर खड़ी थी, और उन्होंने फिर से मुझे वही बात कहा बात कही। उन्होंने कहा इन आउट डीप यानी गहरे और धीरे से। और उन 6 दिनों में जब हम शिविर में थे और मुझे ऐसा लगा कि कुछ हुआ है, और फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे उन दिनों में खुद के ऊपर चिंतन करना था, तो ऐसी कोई चीज थी जो यानी उनको लगता था लेकिन मैं खुद नहीं जानती थी अपने बारे में, और वो मुझे बता रही थी कि मुझे मेरे अंदर बदल करना है उन शब्दों के द्वारा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे धम्म जीवन के लिए मुझे और मदद की या योगदान की आवश्यकता है किसी की, मुझे कम्युनिटी में रहने की आवश्यकता है फिर से। तो 1984 से मैं कम्युनिटी में रह रही थी, लेकिन लगभग 18 महीने में अकेली रह रही थी। उसी समय उन्होंने मुझे ये कहा, और मैंने एक मेरे जो नजदीक की फ्रेंड थे उनसे बात की, और फिर से हमने कम्युनिटी में रहने के लिए कहा। और मैंने एक तरह से अपने जो मेरी सहेली थी उनको मैंने निमंत्रण दिया था कि मुझे बदल करने के लिए मेरे अंदर मदद कीजिए। तो क्या आप सही में ऐसा पूछते हैं क्या? क्या आपको ऐसा बदल चाहिए क्या, या ऐसी मदद चाहिए? तो मैं कुछ जो मुद्दे हैं वो बताने वाली हूँ जिसके बारे में मैंने विचार किया है। तो मित्रता के लिए समय निकालिए और मौके गंवाइए मत,
जो मित्रता है वो नैसर्गिक होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए। एकांतवास कीजिए, तो इसका अर्थ ये है कि आपके खुद के बारे में जो आपका जानकारी है उसको और गहराई से जानिए। तो जब हम अकेले होते हैं तो हमारे बारे में की जानकारी हमें और ज्यादा मदद करती है। चिंतन के लिए समय निकालिए, चिंतन खुद के साथ में, औरों के साथ में, जो आपकी नैतिकता के बारे में, जो आपकी जानकारी है उसके बारे में चर्चा कीजिए, दूसरे लोगों के बारे में चर्चा कीजिए, दूसरे लोगों के साथ में चर्चा कीजिए, और जो आप विचार करते हैं उसके बारे में बताइए, और हमारे कम्युनिकेशन में, हमारे संपर्क में आप आह्वान स्वीकार कीजिए, रिस्क लीजिए। जब हम सप्तांग पूजा करते हैं तो हम वहाँ पर उपदेश के लिए हम वहाँ पर याचना करते हैं, और उसके बाद हम हृदय सूत्र का पठन करते हैं। जो भी हम कम्युनिकेशन करते हैं उसकी जिम्मेदारी लीजिए। तो अगर यानी आप उनसे रिलेट नहीं करते हैं तो ऐसे किसी ग्रुप के साथ में मत जाइए। जब हम मित्रता के बारे में हमारी दृष्टि निर्माण कीजिए, हमारे संपर्क के बारे में दृष्टि निर्माण कीजिए। ये जो समाज है ये पूर्ववत निर्माण किया हुआ नहीं है। तो हमारे जो संवाद है लोगों के साथ में, एक दूसरे के साथ में, वो सभी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संते के जो प्रवचन है, जो गुरु आवश्यक है, क्या उसका जो लास्ट, जो आखिरी पैराग्राफ है, उसे मैं समाप्त करूंगी। तो हम देख सकते हैं इन सभी बातों से कि हमें अकेले को क्रांति करना, विकास करना कितना कठिन है। तो जब हमें बदल करना होता है तो हमें बहुत सारे लोगों का एक समूह चाहिए होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो उत्क्रांति है वो कितनी कठिन है, उच्च उत्क्रांति और भी कठिन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो ये उच्च उत्क्रांति है किसी व्यक्ति के, वो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस व्यक्ति के जीवन में, जो अपने जीवन के लिए वो निर्माण कर सकते हैं। Thank you very, very much, Sabnandia. An exquisite, energetic, electrifying talk. Starting with suggesting that we need to think for ourselves. That's where Sabnandi started. So do think for yourselves. Accept this electric charge from Sabnandi and think about it. A vision of communication and friendship. बहुत ही बढ़िया कल्याण मित्रता के ऊपर सदानंदी ने प्रवचन दिया है। त्रिरत्न में जो हमारा संपर्क है वो किस तरह से विद्युत प्रवाह का काम करता है, और संघ के लिए भी वो एक विद्युत प्रवाह का काम करता है। और हमारे अज्ञान को हमें पीछे नहीं खींचने देना है, और उनका जो रूपक था ये विद्युत के बारे में जो उन्होंने अपने संघ को दिया है वो सही में वो बहुत बढ़िया था, मुझे पसंद आया, और बहुत ही शक्तिशाली है ऐसा ये रूपक है। और ये सही में कुछ सवाल हमारे साथ छोड़ जाता है, जैसे सही में आपको अपने जीवन में कुछ योगदान चाहिए क्या, आप इसके बारे में क्या करने वाले हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सदानंदी। So,
Thank you very much to Sadanandi for that wonderful talk. So धन्यवाद सदानंदी आपके प्रवचन के लिए. After a break, but before we do that, I just wanted to mention that we're not charging for this day at all. But what we are doing is fundraising for Future Dharma, and what that really means is. हम इस सेशन के लिए हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं, लेकिन Future Dharma फंड के लिए हम दान जमा कर रहे हैं. तो लोगों को इस तरह के संपर्क निर्माण करने के लिए, संपर्क देने के लिए फ्यूचर धर्म इस तरह के प्रकल्पों को मदद करता है. तो आप निश्चित ही उनको मदद कर सकते हैं. तो सिर्फ यूके में नहीं, तो संपूर्ण विश्व में वो काम कर रहा है. तो अभी हम चाय के ब्रेक के बाद हम रूम्स में जाने वाले हैं, ग्रुप डिस्कशन के लिए जाने वाले हैं. जो भी यानी आप अगर दान करना चाहते हैं फ्यूचर धर्म फंड के लिए, वो आप प्लीज कर सकते हैं. यहाँ पर लिंक दी है चैट बॉक्स में. 5,000 pounds का हमने एक टारगेट रखा है आज के लिए. तो चैट बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर आपको किस तरह से दान करना है. यहाँ पर ये लिंक है, डोनेशन लिंक. तो जो भी आप देना चाहते हैं, लेकिन आपसे विनती है, एक 100 pounds आप दे सकते हैं, लेकिन जितना भी आप देना चाहें. तो आप ग्रुप के समय आपके नाम के बाद आपका आपकी भाषा लिखिए, इससे आपको ग्रुप में भेजने के लिए मदद होगी. तो एक ही भाषा के लोग एक ग्रुप में जा सकते हैं. और अगर आप नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, तो 5 minutes में हम वापस आने वाले हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए. And you should have an invitation to join a group then. So we're going to have a 5 minute break just so you can rest your mind. 5 minute का break रहने वाला है, और इसके बाद हम सभी लोग इकट्ठा आने वाले हैं. Breakout room, and you can meet some other people from around Sri Ratna. And do come. शायद आप और लोगों को मिल सकते हैं. Some people around Sri Ratna. And then we'll hear. तो Sri Ratna संघ के जो और लोग हैं, उनको भी आप मिल सकते हैं इस ग्रुप के द्वारा. 5 मिनट में मिलते हैं.